হচ্ছে না, মাঝখান ছেড়ে দিন। Thank you.
हरे कृष्ण। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बच्चा लंगर पानी का परिक्रमा का विश्व दिवस है और आज हम लोग आपको लेके जाएंगे नरसिम्हा पर्व में। जैसा बहुत सारा आप देख रहे हैं आपका चैनल विद्या लंगर पानी लाइव और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए। Oh,
मोड वही है, मैंने स्क्रीन ऑफ करके रखा लाइक। अच्छा, ताकि वो बैटरी कम नहीं हो ना। मुझे 10 मिनट का लाइक थोड़ी ना करना, मुझे पूरा दिन चला। नहीं, जहाँ पे लाइव हो रहा है वहाँ पे क्लियर है ना। और लाइव कैमरा में भी आपको कैमरा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो नेट के ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्णा। और आज आप देख रहे हैं नवद्वीप धाम परिक्रमा 2021 का तीसरा दिवस का वीडियो विद्द अलंकार वाणी के माध्यम से। और आज हम आपको लेके जाएंगे गोद्रम द्वीप और लेके जाएंगे विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान का मंदिर नरसिंहपल्ली में। और इस स्थल स्थान का क्या कथा है, हर साल आप लोगों ने तो कुछ ना कुछ सुना है, लेकिन इस साल तो कुछ अलग कथा होना है, क्योंकि इस साल चल रहे हैं शतवर्ष के अनुष्ठान। और इस शतवर्ष के अनुष्ठान में कुछ ना कुछ तो अलग कथा मिलेगा, कुछ ना कुछ ना दोनों परम गुरुदेव का मेमोरीज को याद करके कथा करेंगे गुरु जी लोग। तो इसलिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अलग अलग भाषाओं में सुनने के लिए और पूरा के पूरा वीडियो का देखने के लिए पूरा दिन बने रहिए विद्द अलंकार वाणी पे। थैंक यू सो मच। अभी हम कोई भी महाराज से पूछ लेते हैं कि आज का दिन का क्या शेड्यूल है और आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे। महाराज जी, आज का एक परिक्रमा महाराज जी, आज परिक्रमा कर, आज कहाँ जाएंगे? Hare Krishna, all respected devotees. Today, by the grace and the mercy of Srila Gurudev, under the guidance of Vaishnavas, we are going to Parikrama. We are going to Surbhikund, Shri Godrum Dweep, and in Surbhikund, and after that we are going to Srila Bhaktivinoda Thakur's residence, his Bhajan Kutir, his Samadhi Mandir, and from there we will go Harihar Kshetra. Lot of Harikatha is going to be there, Prasadam is going to be served there, and from there we're going to go Narsinghpalli to have darshan of Lord Narsinghdev and pray to him so that all the obstacles in our bhakti can go away. Hare Krishna. Gaur Premanande Hari Hari Bol Sachinandan Gaur Hari Ki Jai. जैसे महाराज जी कितना अच्छा से बताया, हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ जुड़े। और
जैसे कि हमने सुना है, आज हम पहले जाएंगे गोद्रम द्वीप, फिर सुरभि कुंज और हरिहर क्षेत्र भी जाएंगे। हाँ, जहाँ पे हरिहर हर एक साथ विराज है, बहुत ही अच्छा विग्रह है। तो मिस मत कीजिए, देखते रहिए हमारा साथ, बने रहिए हमारा साथ विद्यालंकर बने में। थैंक यू सो मच। क्या आप लोग सुबह सुबह सुंदर से कीर्तन से आपका दिन का शुरुआत करना चाहते हैं तो जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए क्या कीर्तन सुनना चाहते हैं। अगर कीर्तन सुनना चाहते हैं और शानदार के कीर्तन के साथ आपका दिन शुरू करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्यालंकर वाणी और कीजिए कमेंट्स, फिर हम आपको सुनाते शानदार सा मीठा सा कीर्तन परिक्रमा का साथ। ये बताएंगे ना हिंदी में? अरे दामोदर पंडित बताएं। अरे दामोदर पंडित, दामोदर पंडित, अरे बता रहे भाई। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद मैडम। आज हम निकले हैं महाप्रभु के साथ गुरुदेव के अनुगत्य में, वैष्णवों के अनुगत्य में। आज की परिक्रमा, अब हम जाएंगे गोद्रम द्वीप। अभी घाट जा रहे हैं, वहाँ से स्वरूपगंज की नौका पकड़ के हम जाएंगे सुरभि कुंज, फिर उसके बाद हम जाएंगे स्वानंद सुखद कुंज जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन स्थली है और उनकी समाधि है। शेड्यूल में वैसे सुवर्ण विहार भी हमारी परिक्रमा में आता था, परंतु मौसम की वजह से, वैष्णवों के सुझाव से, हम केवल दूर से ही प्रणाम करते हुए उस स्थान को हम हरिहर क्षेत्र जाएंगे। हरिहर क्षेत्र के बाद हम जाएंगे नरसिंहपल्ली और यहाँ के स्थानीय लोग उसको ठाकुर पल्ली नाम से भी जानते हैं। तो नरसिंहपल्ली में नरसिंह देव जी के दर्शन करके, हरी कथा आदि श्रवण करके, उसके बाद सीधा महाप्रभु पालकी को लेके हम अपने मठ श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ वापस आ जाएंगे। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। प्रभु जैसा हमने हिंदी और इंग्लिश में सुन लिया, आज के परिक्रमा का एक छोटा सा टेलर और अभी हम आपको सुनाएंगे सुबह सुबह शानदार सा कीर्तन, क्योंकि कीर्तन से अगर हम कभी दिन शुरू करते हैं ना तो दिन का मजा ही कुछ अलग आ जाते हैं। लगता है सारा निगेटिविटी चला गया और मन में भर गया पॉजिटिविटी का एक लहर, और इस लहर को बनाने के लिए हमारा साथ बने रहिए विद्यालंकर वाणी, देखते रहिए विद्यालंकर वाणी, आपका चैनल, आपका प्रिय चैनल विद्यालंकर वाणी। थैंक यू सो मच। और देख रहे ये वीडियो और देखते रहिए और कीजिए शेयर, बहुत सारा शेयर, क्योंकि हम जैसे आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं दूसरे को वीडियो और दे सकते हैं दूसरे के जीवन में बहुत सारा आनंद। I'm gonna go get some more.
আমরা আজকের কৃষি কেশবজি গৌরী মঠ থেকে বেরিয়ে আমরা গঙ্গায় যাচ্ছি, গঙ্গা পার হয়ে স্বরূপগঞ্জে যাব। স্বরূপগঞ্জে গিয়ে প্রথমে আমরা গোদ্রুম দ্বীপে যাব। গোদ্রুম দ্বীপ, হ্যাঁ, সুরভিকুঞ্জেতে যাব। তারপর সুরভিকুঞ্জে দর্শন করে তারপর সানন্দ সুকদ কুঞ্জ, যেখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি ভজন করেছেন এবং সমাধিস্থল, ওখানে পাশেই গৌরকিশোর দাস বাবাজি ওনার ভজন কুটির আছে, ওখানে দর্শন আদি করে তারপর আমরা বেরিয়ে যাব হরিহর ক্ষেত্র, হরিহর ক্ষেত্র সুবর্ণবিহার। তারপর আমরা যাব নৃসিংহপল্লী, এবং নৃসিংহপল্লী আমরা ওখানে হরিকথা কীর্তন করে ভোগ লাগিয়ে, হ্যাঁ, ওখানে সেবা আদি করে তারপর আমরা ফিরে আসবো শ্রী শ্রী কেশবজি গৌড়ীয় মঠ। এই হচ্ছে আজকে শিডিউল। শ্রীমুখ সাহেব শ্রবণ কে কি আজ পরিক্রমা কাহা যায়গে আর কে মহত্ব হে বাংলা ভাষা এসে বাংলা হিন্দি ইংলিশ মে আপলোক সুন লিয়া তো এসে অলগ অলগ শুননে কে লিয়ে বনে রয়ে আমার সদা দেখতে রয়ে আপকা চ্যানেল ভি দরঙ্গে in very different of language, and if you want to full video watch with us and enjoy your day and enjoy your parikrama with me Mitalanga Bani. Thank you so much. Nityananda Pran Dhan Nadiya Bihari
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare, Hare Rama
देखिए हम पहुंच चुका है नवद्वीप घाट का एकदम आसपास में और यहां से भी कुछ लोग शॉर्टकट में आ रहे हैं, लोग भर भर के आ रहे हैं। आगे भी परिक्रमा बहुत, आगे भी कुछ लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, गौर नेत्र पीछे एक गुरुदेव घाट में प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगर आप सबको नरसिम्हा मंत्र याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग नरसिम्हा प्रणाम मंत्र जानना चाहते हैं, तो अगर जानना चाहते हैं तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। याद कर लीजिए नरसिंह प्रणाम मंत्र, क्योंकि कुछ ही देर में हम आज पहुंचेंगे नरसिम्हापल्ली। आ रहा वही नरसिम्हापल्ली है जो कि भक्ति में जितना विघ्न आते हैं, बाधा आते हैं, सबको दूर करने वाला होता है नरसिम्हादेव। बोलो जय नरसिम्हादेव की जय। हम लोग देख रहे हैं भक्त लोग विद्यालंकर वाणी का टी शर्ट भी पहने हुए है, छात्र लिया हुआ, टोपी पहने हुए हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम निशिंगम वीसरम भद्रम मित्तूर्णम अमृतम नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शिलातंकाल कालाये इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतयामि ततो नरसिम्हा। और नरसिम्हादेव कहाँ रहते हैं? बहे नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिम्हमदिन शरणं प्रपते तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपु प्रणवृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदी सहर जय जगदीश हर जय जगदीश हर जय नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव। मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे नरसिम्हादेव प्रकट हुए थे, द अपीयरेंस प्लेस ऑफ बर्थ अपीयरेंस प्लेस ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा इज अहो विलम। वी रीचिंग विद इन अ वीक देयर इन अहो विलम इन साउथ इंडिया and there is a till now that pillar inside of that pillar Lord Narasimha came out, so I will showing you, you want to see, so please comment me and I will send you definitely with the Lankar Vani, show you each and every pilgrims, each and every temples and stories. We have a one very rare books of about Lord Narasimha, is called the Lost Temple of Narasimha. I covered
more than 108 Narasimha temple in the forest, which one is now lost. So there's a lots of Narasimha, Bhagra Narasimha, Ugra Narasimha, Yagna Narasimha, Yogi Narasimha. So all of you want to know about the Narasimha Dev and you love to Narasimha Dev, please comment here, then I will show you. Thank you. And very soon, within a week, we are reaching Lord Tirupati, Lord Balaji. And you know, Vidyalankarvani always send you prasadam in any country, anywhere in the world. So if you want to getting prasadam, and this is a very special and auspicious prasadam, Lord Balaji Tirupati. So if you want to, it's for pre-booking only. If you want to getting prasadam, going on skiing, there is my number. Just text me in WhatsApp and I will send you prasadam. Like they within 1 week ago, I already sent lots of prasadam in USA, Ireland, Australia, New Zealand, Russia. Jagannath prasadam, there is a very auspicious prasadam. And lots of devotees here, they are getting. How many of you getting Jagannath Prasadam? Ab logo andar kisko kisko Jagannath Prasad mila hai Vidyalankar Vani ke taraf se? Please comment mein bataiye. To phir hum aapko prasad ka bhi intezam karwate hain. Bharat Barsh ka is ek saal mein, in this centennial year, we cover all the pilgrim in the India and I will send you prasadam and auspicious blessings, items of the Lords. Hey, Hari Bol. तो इसको अगर पीड़ में लिया है तो विद्यालंकर वाणी का कपड़ा पहनने का क्या जरूरत है, वो तो ढक गया. इसको उसको दे, मेरे को क्यों नहीं दिया आपने बैग? तेरे को बोला था ना मैंने, इधर हम जा रहे हैं टाइम पे. मेरी हो गई पिछली बार. Hare Krishna, Janardhan Prabhu, if you need prasadam in our Vidyalankar Vani Facebook page, that is my WhatsApp number, please text me. If anyone need Navadvip Dham Parikrama prasadam, dry prasadam, it's available, please contact with me. My number is 6398365645. Is my number is here. Ek minute, my number is here. You can see. Arre ruk. This is my number. So just text me. Just send you a small text in WhatsApp. Then I can send you prasadam. Yeah, I will send you the account details. Didi, thank you, Didi. Please send me in my WhatsApp. I will send you account details. Yes, my WhatsApp number is available on Vidyalankar Vani Facebook page. My number is 6398365645. And county code is +91. Please WhatsApp me, then I will send you prasadam, Navadvip Dham Parikrama prasadam, Tirupati prasadam, Jagannath Dev prasadam, all the pilgrims prasadam. I know all of you not able to come and join with this year Parikrama. Don't worry, Team Vidyalankar Vani always with you, because your Gurudev Smarts is always with you. So it's Team Vidyalankar Vani Seva team is the very strong team to deliver prasadam. You can getting anywhere in the world within 7 days, so you can get prasadam packet.
Anamadir Dham Parikrama Prasadam is very auspicious. So you can get Prasadam. Thank you so much. उधर घाट पे चलेंगे घाट जैसे आप लोग देखिए हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह गंगा में गंगा पापं ससीतापं दैनो कल्पतरुर्हरे पापं तापं तथा दैनं शुद्ध संत समागमे। तो जैसे गंगा पापं ससीतापं ये जो श्लोक है बहुत ही फेमस श्लोक है श्री गुरुदेव का। तो आपको किसको किसको याद है? हाउ मेनी ऑफ यू नो रिगार्डिंग दिस श्लोक? दिस इज द गंगा पापं ससीतापं इज अ वेरी ऑस्पिशियस श्लोक। हाउ मेनी ऑफ यू नो? हमारा मदन प्रभु हैं, देखिए कितना अच्छा से मैनेजमेंट कर रहे हैं परीक्षा में, इतना मेहनत करते हैं। आज से नहीं, इतना सीनियर डिवोटी है। और सब यहाँ पे नहीं, इन्होंने तो 2-3 महीना पहले से ही गांव-गांव में जाते हैं और आलू इकट्ठा करते हैं। और देखिए चेहरे में कितना अच्छा स्माइल है, और आलू इकट्ठा करके भिक्षा करके लाते हैं। देखिए दामोदरी दीदी भी आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। देखिए भक्त लोग कैसे जय जयकार कर रहे हैं। बोलो विद्या अलंकार वाणी की जय। और गंगा पापं ससी तापं दैनो कल्पतरुर हरे पापं तापं तथा दैनम सद्दो संत समागमे। इस शुक्ला व्याख्या तो मैंने रोज ही करता हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा क्या। और एक बार सुनना चाहते हैं आप लोग? अगर सुनना चाहते हो तो जाइए कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, फिर हम सुने। और देखिए कितना सुंदर सा टी शर्ट है विद्या अलंकार वाणी का, इधर है और इधर हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो हम हमसे संपर्क करें और घर में बैठे बैठे प्रसाद का आनंद लें। देखिए ये है गंगा माँ। हम आज कहाँ जा रहे हैं, क्या परिक्रमा का शेड्यूल है, सारा शेड्यूल विद्या अलंकार वाणी के पेज में दिया हुआ है। तभी भी मैं और एक बार बता देता हूँ, आज हम पहले जाएंगे गोद्रुम द्वीप, और गोद्रुम द्वीप का बाद जाएंगे हरिहर क्षेत्र कवर करते हुए हम जाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटी, फिर वहां से हम कवर अप करेंगे। नमस्ते नरसिम्हाया नरसिम्हापल्ली। आज हम जा रहे हैं बहुत सारा जगह, देखिए बड़ा गौर।
भक्त लोग कितना उत्साह के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। संत महाराज जी, अभी आप लोगों को थोड़ा गंगा देवी का महत्व सुनाएंगे संत महाराज जी। देखिए प्रभु का चेहरे में कितना अच्छा सा स्माइल आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने गंगा में टाइटैनिक का, क्या प्रभु टाइटैनिक का शूट लेना चाहते हैं क्या? अभी महाराज जी गंगा देवी का महत्व थोड़ा कुछ बताते हैं। हरे कृष्णा, यहाँ गंगा जी जो आई है, इसके पीछे मेन कारण है भगीरथ महाराज, जो सगर वंश से हैं। वो भगीरथ जी लाए हैं और यहाँ पे गंगा सागर है, यहाँ से दूर है, तो ये नवद्वीप में जब आई गंगा जी तो यहाँ छोड़ करके जाना नहीं चाहती, इसलिए पूरा नवद्वीप को कवर करके राउंड करके है और उसके बाद यहाँ से गंगा सागर गई है। तो गंगा जो है, गंगा तापंग सभी पापंग, ये श्लोक आपने सीखा होगा, बहुत ही सुंदर है। गंगा जी दर्शन करने से, स्नान करने से, नाम लेने से वैकुंठ प्राप्ति है। बोलो गंगा देवी की। गंगा का बहुत सारा नाम है, जटाशंकरी नाम है, इनका नाम जाह्नवी है, इनका नाम भागीरथी है, स्वर्ग में मंदाकिनी है, तो इसलिए ये गंगा जो है, गंगा सदा पवित्र है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। बोलो गंगा देवी की। हमने सुना है गंगा देवी का महत्व हिंदी में, अब हम आपको सुनेंगे गंगा देवी का महत्व इंग्लिश में। मैं देखता हूँ किसके श्री मुंह से सुनना चाहते हैं आप लोग, जरूर दिखाएंगे। और एक बार मेरा साथ बताइए, गंगा पापंग ससी तापंग दैनो कल्प तरुहरित पापंग तापंग तथा दैनम शुद्ध संत समागमे। इस श्लोक का जो व्याख्या है मैंने बहुत बार किया है, अलग अलग भाषाओं में किया है, श्री गुरुदेव का बहुत ही प्रिय श्लोक है। और आज आपको ये मौका भी देखने को मिल रहा है, मैंने थोड़ा देर पहले ही शशि को दिखाया, गंगा का दर्शन अब कर रहे हैं और शुद्ध संत तो हमारा साथ ही है, और हरिनाम जो है वो तो कल्प वृक्ष है, तो एक ही साथ ये सबका दर्शन, तो डबल ऑफर मिल रहा है आप लोगों को। तो घर में बैठे रहिए और देखते रहिए हमारे साथ विद्यालंकर बनी, और प्रे कीजिए नरसिंहदेव के पास, ताकि आने वाला 2022 का परिक्रमा और बड़ा कर सके और आप सबको भक्ति का जीवन आनंद रहे और मजे रहे। कन्नट कोई नहीं है, कन्नट तुम अकेला हो। चलो जा। अरे अरे जा। ए अन्ना मुझे ऑयल चाहिए गौशाला का। श्री गुरुदेव भी पहुंच चुका है, हाँ आप गुरुदेव का दर्शन कर लिए तरस रहे थे, देखिए श्री गुरुदेव भी पहुंच चुका है। मैं दर्शन करवाता हूँ, अभी सुबह सुबह आप लोग गुरुदेव का दर्शन करवाता हूँ, देखिए कौन? अरे वो मुझे जपा बच्चे कल गुरु तो झाड़ दिया जपा श्री गुरुदेव सुबह सुबह बहुत
महाराज जी बहुत अच्छे से उनका सुमधुर कंठ से श्री मुख से आप लोगों को सुबह सुबह गंगा देवी का महत्व सुनाएंगे। बने रहिए और सुनते रहिए। अभी हम लोग गंगा पार होकर के नरसिंहपल्ली जाएंगे। ये जो गंगा है ये गंगा कौन है? बोले देव सुरेश्वरी भगवती गंगा। ये गंगा कोई साधारण ये नहीं कि जो साक्षात भगवान की चरण से जो निकली और भगवान की चरण की मकरंद को लेकर के ये गंगा प्रवाहित तो हो रही है। इसलिए स्वयं जिस गंगा को जो देवदेव महादेव स्वयं वैष्णवा नाम यथाशंभु वैष्णव जो अग्रगण्य इन्होंने सर्वप्रथम गंगा देवी को अपना सर पर उन्होंने धारण किया है। जब उन्होंने किस लिए धारण किया सर को ऊपर में? शंकर तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते कारण है कि जो गंगा भगवान की ये चरणामृत ये श्री गंगा है। इसलिए गंगा की जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे थे बहुत दूर तक उन्होंने भगवान का नाम कोई नहीं सुना, लेकिन हठात एक जगह पर जब गए देखा कुछ बच्चों को ग्वालों को हरी 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 बोल हरी बोल बोल रहे। महाप्रभु बोले इतना दूर तक तो कोई गंगा का कोई नाम तक ही नहीं सुना, लेकिन ये अभी तक ये हरी हरी क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा है? फिर पता चला ये पास में ये गंगा है, जहाँ पर गंगा की हवा अगर किसको शरीर में भी लग जाए कहते ये गंगा उसको पवित्र कर देती है। कहते इनकी किनारा में जो कीट पतंग तौरु लता ये भी जो रहते हैं कहते गंगा के स्पर्श से उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए गंगा का तो महिमा था ही, लेकिन इसका विशेष महिमा हो गया जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। एक समय गंगा यमुना को बोल रही है, यमुना बड़ी बहनी गंगा छोटी बहन, बोले बहन तेरी कितने सौभाग्य है जो कि भगवान कृष्ण तुम्हारी जल में जल क्रीड़ा करते हैं, जल विहार करते हैं। यमुना कहती है देखो तुम चिंता मत करो, यही कृष्ण ही कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का रूप में जब आएंगे तुम्हारी किनारा में बड़े सुंदर सुंदर लीला करेंगे और तुम्हारे जल विहार करेंगे। इसलिए जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब गंगा में विहार कर रहे थे गंगा छुप करके छलना से अपना लहरियों को द्वारा श्रीमान महाप्रभु को सुंदर रूप में तैराया करते थे, उनको तैरते थे। इसलिए बोले स्वयं महाप्रभु तुम्हारी गंगा में तैरेंगे, इसलिए तुम्हारी विशेष महिमा होगा। इसलिए गंगा जब भगीरथ ने गंगा को लेकर के जब विशेष करके जब नवद्वीप धाम में आए उसी समय में गंगा किसी तरह से जैसे वृंदावन में यमुना किसी तरह से वृंदावन को छोड़ना नहीं चाह रही थी। कारण क्या? बोले जो वृंदावन भगवान कृष्ण की धाम है उसी तरह गंगा भी किसी तरह से ये नवद्वीप धाम को ये छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए यहाँ पूरा टेढ़ी मेढ़ी होकर के गंगा इधर प्रवाहित तो हो रही है। गुरुदेव इसकी विशेष के कथा सुनाया करते थे गंगा की कितना महत्व है। बोले एक समय कोई एक सर्प गंगा किनारा में रहता था, अपना मुंह को बाहर निकाल करके बैठा हुआ, ऊपर से गरुड़ जा रहा था। गरुड़ जी सर्पों को देख करके उन्होंने पंजा मार करके जब उनको पकड़ करके खींचने लगे, खींचते ही उसी समय में उसके प्राण छूट गया। तो प्राण छूटते समय उसका पूछ केवल ये गंगा पानी को स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही सर्प को ले जाएगा क्या, खाएगा क्या, इतने में सर्प ने चतुर्भुज धारण कर लिया और उसको गरुड़ अपना पीठ में बैठा करके उसको बैकुंठ ले जाना पड़ा। अगर कि सर्प भी मरते समय गंगा पानी का स्पर्श हो जाए तो अगर वो बैकुंठ प्राप्त कर सकता है, अगर कोई साक्षात रूप में स्नान करे तो फिर उसको क्या फल नहीं हो सकता। गुरुदेव और ये कथा सुनाया करते थे। बोले एक समय कोई एक ओझा जो जादू टोना जानता है, एक समय वो जा रहा था, देखा कुछ भूत लोग बैठी करके बैंड पार्टी बाजा बजा रहे हैं, बड़ी चोर शोर से शादी का भजन गा रहे थे। इतने में वो ओझा ने एक गुणी देखे भूत को बुलाया, बोले क्या बात भैया आज इतना आनंद क्यों हो रहा है? बोले कल हमारी एक लड़की है वो कुंवारा उसकी शादी होने वाले। बोले कैसे? बोले दो साड़ में लड़ाई होगी, एक नौजवान जब उसको छुड़ा नहीं जाएगा वो बड़ी साड़ क्रोध में होगा, पेट में मारेगा तो पेट को फाड़ देगा और वहीं पर प्राण त्याग करेगा तो अपमृत्यु से फिर प्रेत बन कर आएगा, फिर शादी होगी। जब दूसरे दिन जा रहा था वो जा देखा सबके सब भूत बैठ करके रो रहे थे।
बोले भैया रो रहे हैं क्यों? बोले बहुत बड़े का अनहोनी हो गया। बोले मैंने तो पता लगाए वो जवान मर गया, लेकिन तो मरा, लेकिन जिस समय उसको मारा, कभी कभी सींग में सांड की खुजली मचती है, वो मिट्टी को कुतरता था और वो सींग में लगा हुआ था गंगा रज। जब उसको मारा, मारते ही वो गंगा रज स्पर्श होते ही उसको तो मुक्ति मिल गई। इसलिए हमारी जो बेटी है वो कुंवारी की कुंवारी रह गई। इसलिए हम बैठ करके हम सबके सब यहाँ पर हम रो रहे हैं। इसलिए गंगा की इतने महिमा, गंगा की इतने महिमा, कहती जो गंगा देवी ये कोई साधारण नहीं। विशेष करके साइंटिस्टों ने रिसर्च करके देखा, ये गंगा पानी जितने साल तक रख लो ये कभी भी इसमें कीड़ा नहीं पड़ते। केवल एक ही पानी है जो गंगा पानी, जिसको जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन और सारे दूसरे पानियों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग गंगा को पार करते हुए अभी हम लोग नरसिंहपल्ली जाएंगे और गंगा का ठंडी ठंडी हवा आ रही है और गंगा की हम लोग आचमन लेंगे और गंगा में स्नान करेंगे। और गंगा में स्नान करने पर इसलिए एक संत उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीन पद को प्राप्त करते हैं। बोले कैसे? बोले जब वो स्नान करते हैं सर के ऊपर में गंगा पानी आती है और शंकर जी के सर के ऊपर में गंगा है, इसलिए शंकर जी के स्वरूप प्राप्त करता है। फिर जब कोई व्यक्ति कमंडल में पानी लेकर के जाता है, पानी कहते ब्रह्मा के कमंडल में ये पानी है। जब व्यक्ति स्नान करता है उसका चरण भी गंगा को स्पर्श होता है, इसलिए कहते हैं गंगा में स्नान करने पर ब्रह्मा विष्णु महेश कहते ये तीन स्वरूप को व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए गंगा की अनंत अनंत गंगा की महिमा है। हम लोग ये गंगा को पार कर रहे हैं, हम लोग सब भक्त लोगों को सब दर्शन कर रहे हैं। कैसे हजार हजार भक्त कीर्तन करते हुए गंगा पार करते हुए हरी बोल करते करते गंगा पार होकर के भगवान नरसिंह देव का स्थान में जा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान नरसिंह देव है इनको पास में जाने से जितने हमारी बाधा विघ्न भक्ति की, ये सारी बाधा विघ्न हमारी दूर हो जाती है। बोले श्री गंगा महारानी की, बोले श्री गंगा देवी की, निताई सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। बोलो गंगा माता की जय। गंगा पापं शशि तापं दैनौ कल्पतरुर हरेत् पापं तापं तथा दैनम सद्दो संत समागमे। महाराज जी बता रहे, मैं गलती बताया ना, महाराज जी इसका व्याख्या कर दे। बंगला भाई के गाड़ी है, 1 मिनट लग जो ना, गाड़ी है 1 मिनट, देरी हो लग ना, दिल जा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ये जो श्लोक है इसका जो वास्तविक रूप आज आपको देख रहे हैं, गंगा माता का ऊपर ही अब शुद्ध संत का समागम जब होता है तब क्या पाप ताप रहता है? अगर रहता है या नहीं रहता है हम देखेंगे पूरा दिन। अगर रहता भी है उसका दूर कैसे होता है उसका भी उत्तर हम जरूर दे देंगे। अगर नहीं रहते हैं तो क्या चिंता है, लीजिए झोली का बैग हाथ में और कीजिए। और चंद्रमा का देखने का क्या जरूरत है, क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध संत तो हमारा साथ है। जब शुद्ध संत हमारे साथ रहते हैं तो एक ही बार में तीनों चीज हो जाते हैं, जैसे पाप ताप और दिन तक तीनों ही आज हरण हो जाएगा। साथ में आपको दिखाएंगे। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। ठाकुर की जय। चलो शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सुरभि कुंज की जय। नर नारायण प्रभु की जय। श्री नर नारायण की जय। सुवर्ण विहार की जय। क्या आप लोगों को सुरभि कुंज का नाम जब आता है तो मुझे तो एक भजन याद आता है। क्या आपको वो भजन याद है सुरभि कुंज वाला? अगर नहीं याद है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर याद भी है तो उसका लिरिक्स लिखिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम जरूर गाएंगे। सुरभि कुंज से बसे चे आग, सुरभि कुंज से नामेर हाट खुले छे खोद निताई। सुरभि कुंज से आज नामेर हाट खुले छे खोद निताई। यहाँ गौरांग महाप्रभु गा देंगे, बड़ा सुखर खबर गाएंगे महाराज जी, जरूर गाएंगे। और सुखेर खबर सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए महाराज जी बोल रहे हैं।
দেরগা ঠিক আছে বলে মোল্লা আর বাদ মোল্লা আর বাদ মোল্লা আর বাদ বডি মরে ছিল টেনে তুলে আসছে সাইকেল তুলে আগে রেখে দিলে ভালো হবে এগুলো বেরোবে না এগুলো মায়া পড়ে যাবে अरे गुरुदेव के लिए रास्ता बनाइए कोई सामने जाके यदि थोड़ा दूर दूर चलिए महाराज जी लोग चल रहे हैं ना हाँ नरसिंह महाराज जी भी आ चुका है नरसिंह महाराज जी जरूर कदा करेंगे कहाँ पे नरसिम्हा पल्ली में जैसे नरसिंह भगवान हमारा भक्ति में प्रोटेक्शन देते हैं ऐसे हमारे नरसिंह महाराज जी भी ऑलवेज हमें प्रोटेक्शन देते हैं वो देख वो तो भाई 4K कैमरा देख लाइव कोड हरे कृष्णा और वल्लभ स्वामी की जय डंडा दे दूँ डंडा है लाल कपड़ा भी है डंडा भी साथ में दे दूँ आपको दे दूँ देंगे तो मैं दूंगा तो आप लोग बोलो शायद तो इस बार लाल ले लो चलो फिर भी चाय करना पड़ेगा देखिए श्री श्रीमद गौरीमत भक्ति केवल तोरण अभी हम पहुंच चुके हैं सरूपगंज सरूपगंज के रास्ते से हम लोग चल रहे हैं श्री राधे चलिए 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 मैं और एक बार एक घोषणा सूचित करता हूँ जगन्नाथ धाम प्रसादम नवद्वीप धाम प्रसादम एंड तिरुपति बालाजी प्रसादम अगर आपको घर में बैठे बैठे प्राप्त करना हो तो कृपया 2 दिन का अंदर हमें मैसेज करें मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है और हम देश विदेश जहाँ पे भी आप रहेंगे 7 दिन का अंदर वो प्रसादम पहुँचाएंगे एनीवन गेटिंग जगन्नाथ धाम प्रसादम नवद्वीप धाम परिक्रमा प्रसादम एंड तिरुपति बालाजी प्रसादम इज अवेलेबल ऑन विद्यालंकर वाणी सो इफ यू वांट टू गेटिंग प्रसादम प्लीज टेक्स्ट मी माय नंबर इज अवेलेबल ऑन विद्यालंकर वाणी फेसबुक पेज इज +91639836565 थैंक यू
प्रभु आगे चल गुड़ दबा ठीक है चलिए चलिए कोई बात उठाओ कैसे दबा दो ना मटन का रास मैं तो ये बट का ब्रिक्स देखता हूँ तो गुरुदेव का जो बचपन का कथा गुरुदेव कहते हैं कि इसके ऐसे पकड़ के ऐसे झूला झूलते थे वो याद आ जाते हैं गुरुदेव इस बार दिखाया अभी गुरुदेव कैसे बचपन में स्कूल में क्या कहते कौन सा देखो फोटो का আপনারা একটু সাইড দিন গুরুদেব আসছে মাঝখান থেকে সরে যান মাঝখান থেকে সরে যান গুরুদেব আসছে প্রভু মাঝখান থেকে সাইড দিন গুরুদেব আসছে গুরুদেব নাম মা একটু সাইড দিন গুরুদেব আসছে মাঝখানের জায়গা খালি করে দিন গুরুদেব আসছে মাঝখানের জায়গা খালি করে দিন মাঝখানের জায়গা খালি করে দিন মাঝখানের জায়গা খালি করে দিন গুরুদেব আসবেন মাঝখানের জায়গা খালি করে দিন গুরুদেব আসছে সাইড দিয়ে দিন গুরুদেব আসছে সাইড দিন গুরুদেব আসছে ও মা সাইড দিন গুরুদেব আসছে गुरुदेव का प्रसाद है ना और एक बैग है मेरा पेट का बैग वो आपके पास ही रखा है जिसमें भी है गुरुदेव मदन मोहन गुरु जी के पास जो है साथ में नहीं रहेगा ना नहीं रहे अच्छा सब ठीक दोनों साथ सब হরিবল আপনার চরণে মন্ডি মারি আছে আব্বে বুঝি পারি হরিবল 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 গুরুদ্বার হরিবল হরিবল আব্বে বুঝি পারিছে কৃপয়া সাইড দে দিজিয়ে গুরুদেব আ রে কোন মহারাজ হরে কৃষ্ণ মা একটু সাইড দিন গুরুদেব আসছে মাঝখানে জায়গায় খালি করে দিন সাইড দিয়ে যান সাইডে যান গুরুদেব আসছে হরে কৃষ্ণ প্রিপিয়া বীচ কা জায়গা ছোড় দিজিয়ে গুরুদেব আ রে কি আপনাদের কি ওনাদেরকে গুরুদেবকে ধাক্কা মেরে আগে আসতে হবে সাইডে যান হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আপনারা সাইডে যান একটা সাইড দিয়ে যান বাবু আজকে আমি প্রসাদ প্রসাদ ব্যাগ করে ব্যাগের মধ্যে নিয়ে আসছি জল প্রসাদ সব স্টোর করে নিয়ে এনেছি আপনাকে গামছা কিনে গামছা কিনবো না না তোমায় কিনবো সব কিছু কিনে দেবো মুরারি প্রভুজি
बुझी पड़ी छे बोलो नीताय गौर प्रेमानंद उनके गले में दर्द हो गया। महाराज जी बोला उसको पहले बोलो कि बरौन और बारन में क्या डिफरेंस होता है। महाराज जी का है महाराज जी टर्न द कैमरा अराउंड प्रथम कथा अच्छे कुछ पैदल ही कमल दल में आएंगे कमल दल में आएंगे तो पैदल है पैदल नहीं तो कमल दल में आएंगे कमल दल में जाएंगे पाती काम चाहिए पाती काम चाहिए गुलो ऊपर गुलो ऊपर है गुलो भालो सूखे जावे दादा डी गुरुदेव प्रथम हम लोग को देवाच आगे देखी सुरभि कुंजी जरा ना ढूंढे सुरभि कुंजी जाओ আজকে তো পুরনো মঠ থেকে এখানে এসছি কাহা যা রে সরপ্রাইজ মে বনে রে দেখতে রে বিদ্যালঙ্কর বানি লাইভ সব আগে পহলে সে বতা দেন তো আপলোক ভাগ যায়গে ইসলিয়ে হম কুছ সরপ্রাইজ রাখতে হ্যাঁ ঘোরায় আমার যে সকল স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে সে সকল স্থান হেরিব মোর প্রণত ভক্তি সঙ্গে হ্যাঁ মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যো যো স্থান মে ভ্রমণ কিয়া হ্যাঁ मेरा अभिलाषे हैं कि मैं ओ सकल स्थान प्रणय भक्त का संग में भ्रमण करूं तो आज देख रहे कितना भक्त है मेरे आँख तो जितना दूर तक जा रहे महाराज जी लोगों का दंड याद दिखाई दे रहे हैं तो ये महिमा है और अब घर में बैठे बैठे कि इस स्थान को दर्शन कर सकते हैं कथा सुन कर सकते हैं ये पवित्र रूपिणी कथा से आप अपना को नहला के पाप काम क्रोध मोह मद मत्सद सबको धूल सकते हैं और एक शुद्धता का नया जिंदगी बना सकते हैं। Shortly we will arrive for the call. गया था हमारा कीर्तन पाठ Thank you.
चार के मिले किधर जा रहे हैं अभी हम चल रहे हैं कहाँ गौरया मारे जैसा कलस्थान करीला भ्रमण रंगे जैसा कलस्थान हेरी वो मोरा प्रणत भक्ति संग हम कहाँ जा रहे हैं ये जानना आवश्यकता नहीं है आवश्यकता तो ये है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का हरि कथा से अपने आप को नहलाना और अपना आपका अंदर जो क्रोध है वो क्रोध काम लोभ मोह मत्सर को साफ करना और एक नया सुंदर सा जिंदगी जो कि भक्ति का जिंदगी को तैयार करना। बोलिए सचिनंदन गौर हरि की जय हो। बोल रहे तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विगृहितम कल्मषापहम। अगर अमृत आपको चाहिए आपको पता है कि अमृत पान करने से अमृत लाभ हो जाता है लेकिन अमृत मुंह से नहीं कान से भी पान किया जाता है। क्या है वो अमृत? बोल रहे तब कथामृतम तब कथामृतम उनका कथा रूप जो अमृत है और उस अमृत को पान करवाने के लिए हमारा गुरु एक तैयार है। थोड़ा देर में आप लोगों को कथा रूपी जो अमृत है वो अमृत जरूर पान करवाएंगे और इसी अमृत को अपना जीवन को में धारण कीजिए और अपना जीवन में एक शुद्धता का एक शांति का एक आनंद का लहर लेके आइए और देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू। मैं गिर जाऊंगा ना मेरा छूटेगा तो 20,000 जाएगा आपका छूटेगा 60,000 जाएगा। हरे कृष्णा कृपया बीच का रास्ता छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा क्या आप लोग बजरंग बली का दर्शन करना चाहते हैं? देखिए लाइव बजरंग बली दर्शन करवा रहा हूं। मतलब बजरंग बली की जय। और गुरुदेव कहते हैं आपको वाला पता है ना? बजरंग बली को दर्शन करा दो बजरंग बली। नहीं नहीं आपको डर नहीं है इस बजरंग बली को दर्शन कर लीजिए क्योंकि सोने से कम नहीं और खोने से कम नहीं है। असली रूप का बजरंग बली आ जाएगा सामने से तो आप डर जाएंगे इसलिए यही दर्शन कर लीजिए। दर्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आज बुधवार है। आज बुधवार है। अरे भाव में रहते क्या? मंगल कहीं ना कहीं तो मंगलवार होगा। बुद्ध करे सब शुद्ध। अगर अपना जीवन में शुद्धता का लहर लाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा देर में अमृत रूप जो कथा है वो सुनाएंगे हमारे गुरुवर्ग लोग और उसी कथा को अपना जीवन में धारण कीजिए और लेके आइए वो अनलिमिटेड आनंद और आनंद। अभी तो बताया नहीं सुना क्या आपका दर्शक लोग? हमारा दर्शक सुन के कमेंट भी कर दिया। करेंगे ऊपर छत पे ले लेंगे जो इस्कॉन के छत पे इसके जाप में जाने के क्या जरूरत है। अभी हम ढूंढते हैं। अरे ड्रोन का परमिशन नहीं दिया ना?
इलेक्शन के लिए और क्या, अभी अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है ना वेस्ट बंगाल में। दिजामणि गोरा जागे ताथई ताथई बाजे लाखा घन घन बाजे झरझरल प्रेम। मैं और एक बार बता देता हूँ, अगर आप लोग घर में बैठे बैठे प्रसाद, हाँ जगन्नाथपुरी का प्रसाद आपके घर में पहुंच चुका है, अगर नवद्वीप धाम का प्रसाद और तिरुपति बालाजी का प्रसाद घर में बैठे बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर है +9163983656645 इस नंबर पे संपर्क कीजिए। हमारा फेसबुक पेज पर भी वही नंबर दिया हुआ है और आनंद लीजिए, हम भेजेंगे आपके घर में प्रसाद। हम जी एक छादे उठा जाए, छादे उठा जाए एक मिनट। तुम क्या है माता जी, एक छादे उठा जाए एक मिनट जो ने देखिए ये बात है क्या डांड के প্রভু উপরে ওঠার রাস্তা কোন দিক থেকে, এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে? जैसे कि देख रहे हैं कि परिक्रमा कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं पूरा परिक्रमा का व्यू कि कैसे आ रहे हैं परिक्रमा, आगे जा रहे हैं महाराज जी लोग जा रहे हैं, पूरा लंबा परिक्रमा का सफर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोग जहाँ जहाँ हम चलते हैं और देखिए पूरा के पूरा के परिक्रमा। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। इतना रस से लोग भरे भरे आ रहे हैं, परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं और मजा ले रहे हैं और आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जितलंकर वाणी। बोलो निताई गौर प्रेमानंद। फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे का वीडियो भी जरूर आपको दिखाएंगे। हरे कृष्ण बोला कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चलो 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 साइड दो साइड दो साइड दो साइड दो साइड
So thank you for watching. मुझे लग रहा है इनको प्यास लगा है नहीं। ये महाप्रभु को लेके प्रभु जी इतना कंधे में चढ़ा के हरे कृष्णा 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 प्रिपेयर साइड दे दीजिए हरे कृष्णा 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 नहीं विद्या लंगा भाई उधर पहुंच चढ़ जाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे अरे अपना साइड जाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओमा साइड जाओ দেখো উদিল অরুণপুর ভাগে দিজামণি গড়ায়মণি জাগে সমূহ লইয়া সাথ গেলা নগর ব্রাজ উদিলা অরুণ পুরব ভাগে দিজামণি গড়ায়মণি জাগে তাতই তাতই বাজল খোল ঘন ঘন তে ঝাঁঝের রোল তাতই তাতই বাজল খোল ঘন ঘন তে ঝাঁঝের রোল প্রেমে ঢল ঢল সোনার রঙ প্রেমে ঢল ঢল সোনার রঙ চরণে নূপুর বাজে উদিল অরুণ পুরব ভাগে দিজামণি গড়ায়মণি জাগে উদিল অরুণ পুরব ভাগে দিজামণি গড়ায়মণি জাগে देखिए आप लोग सुन लिया कि कैसे उदिल अरुण पूरब भागे दिजमणि गोरा एमणि जाए माछन छेड़े चल ना माता ओ माता ओ माता साइड में आ जाइए প্রভু কে ভেজ দো মে ভেজ দো ভেজ দো কিসা পাশ হিসেবে পাশ হ্যাঁ নম্বর লিখ নম্বর এ কোন সা ফোন রিয়েলমি রিয়েলমি রেডমি নোট 8 প্রো আবি ভেজ দো ডকুমেন্টস কে ভেজনা
कुछ बोलना है? नहीं मेरे बोलूंगा क्या, गुरुवर के लोग बोलेंगे। अगर गुरुवर के लोग बोलेंगे हाँ तो फिर क्यों बोलते हैं मुकम करुति वाचालम पंगुम लघतम गिरिम जक्की पतम हमंद परमानंद माधव। तो अभी सौभाग्य अपना हुआ नहीं ना, कुछ बोलना चाहते हैं? हरि बोल, बोले ट्रैकिंग करके बुलाना चाह रहे हो? हरि बोल, ट्रैकिंग करके बुलाना चाह रहे हो? हम पहुंच चुके हैं सुरभि कुंज, जहाँ पे आज नाम का हट बैठेंगे और आपको सुनाएंगे। क्या कीर्तन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए हम पहुंच चुके हैं सुरभि कुंज। बोलो नित्य गौर प्रेमानंद, हमारा कीर्तन यह तैयार है आपको सूरज कुंज वाला कीर्तन सुनाने के लिए। तो अब बने रहिए और देखते रहिए। अरे ये लोग तो पहले ही, हमारा पहले ही आ गया है क्या? ये लोग पहले पहले ही परिक्रमा करते हैं। महाराज एक चले जाए विद्या लंगा भाई पूजा करो। प्रभु जी अब लाइव करेंगे? नहीं नहीं मैं नहीं। तो फिर प्रिपेयर थोड़ा पीछे पीछे जा। नंदन गौर हरि की, बोलो श्री नवदीप धाम परिक्रमा की, बोलो श्री केशव जी गौड़िया मठ की, श्री गुरु गुरुदेव की जय। इताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
आ गया साउंड, आ गया साउंड, ले आओ साउंड आगे। बड़ा सुखेर खबरगार, बड़ा सुखेर खबरगार, सुरभि कुंजेते नामे हाट खोले छे खोनिता। मृदंग शीला जाओ, तुम नहीं बजा पाओगे। मृदंग लेकर आओ, मृदंग लेकर आओ, मृदंग ले आओ, मृदंग। मृदंग हरे कृष्ण बोलो, मृदंग ले ले। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की, दयाल नित्यानंद प्रभु की, श्री सुरभि कुंज की, श्री गोद्रुम दीप की, इताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जाओ भाई। बड़ा सुखेर खबरगार, बड़ा सुखेर खबरगार, सुरभि कुंजे ते नामे हाट खो दे छे खो नेता। सुरभि कुंजे ते नामे हाट खोले छे खोनी, बड़ा मजर कथा ताई, बड़ा मजर कथा ताई, बड़ा मजर कथा ताई, बड़ा मजर कथा ताई, श्रद्धा से हटे विकार, श्रद्धा मूले शुद्ध नामे से हटे विकार, बड़ा सुखे खबरगार, बड़ा सुखे खबरगार, ओ बड़ा सुखे खबरगार, बड़ा सुखे खबरगार, सुरभि कुंजे ते नामे हाट खोले छे खोनिता, सुरभि कुंजे ते नामे हाट खोले, जत भक्त वृंद बसी, जत भक्त वृंद, ओ जत भक्त वृंद बसी, अधिकार देखे नाम बेचे दर कसी, अधिकार ओ जत भक्त वृंद बसी, जत भक्त वृंद, ओ जत भक्त वृंद बसी, अधिकार देखे नाम बेचे दर कसी, अधिकार यदि निम्न ओ यदि नाम के ने भे भाई, यदि ओ यदि नाम के ने भे भाई, आमार संगे चलो महाजन का छेगाय, आमार संगे चलो, ओ आमार संगे चलो महाजन का छेगाय, आमार संगे का, ओ तुम्हें किनबे कृष्ण नामे, वे कृष्ण नाम, दस्तूरी लाइबो अमी पूर हई बे काम, दस्तूरी लाइबे अमी, ओ दस्तूरी लाइबे अमी पूर हई बे काम, बड़ा दयाल नित्यानंदा, ओ
नित्यानंदा, ओ बड़ा दया नित्यानंदा, शुद्ध मारे नए देन परमायानंदा, शुद्ध मात्र देन, ओ शुद्ध मात्र नए देन परमायानंदा, शुद्ध, ओ बड़ा दया नित्यानंदा. कली भय आर नहीं को कली ओ आर नहीं को कली भय आर ओ चंडाले देन नाम नित्य दया मां नित्यानंद प्रभु की ओ चंडाले देन नाम नित्य दया मां ओ चंडाले देन नाम भक्ति विनोद डाकी गए भक्ति विनोद ओ भक्ति विनोद डाकी गए नित्य चंदे चरण बिना आर नहीं आश्रय नित्य चंदे चरण बिना हो नित्य चंदे चरण बिना आर नहीं Thank you.
हरे राम, राम राम, जोर करे बोलूं, बोला हरे
गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं आप लोगों ने श्रवण किया, इसका नाम गो ध्रुव। गो मतलब होता है गाभी, ध्रुव मतलब होता है वृक्ष। बोले जहाँ पर यहाँ पर विशाल एक बट वृक्ष था, जिस बट वृक्ष को नीचे यहीं पर इंद्र ब्रह्मा, यहीं पर श्री इंद्र उसी वृक्ष को नीचे बैठ करके यहीं पर आराधना की थी, इसलिए ये स्थान का नाम है गो ध्रुव है। कहते जो नवद्वीप धाम को गुप्त वृंदावन बताया गया, जैसे वृंदावन धाम का परिक्रमा कर तो आपको केवल वृंदावन धाम परिक्रमा का ही फल मिलेगा, लेकिन नवद्वीप धाम परिक्रमा के फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई नवद्वीप धाम को परिक्रमा करे, कहते उनको दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। कहते एक तो नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का फल तो मिल ही जाएगा, उसको आनुसंग रूप में उसको श्री वृंदावन धाम परिक्रमा करने का भी फल उसको प्राप्त होगा। कहते ये स्थान वृंदावन का कौन सा स्थान है? बोले ये नंदगांव है। बोले यहीं पर जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपना सखाओं को साथ में जब यहीं पर आया करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी की भाव अंगकांति को लेकर के आए। जब यहीं पर आते थे अपना सखाओं को साथ में, भक्तों को साथ में, यहीं पर आते ही उनको याद आता था पूरा के पूरा नंदगांव की लीला। कृष्ण कैसे अपना ताऊ भैया को साथ में कैसे गोचारण करते थे, कैसे ब्रज की घर घर में जा जा करके कैसे मक्खन चोरी करते थे घर घर में, उनको सारे को सारे लीला उनको यहीं पर याद आती थी। कभी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आ करके, यहीं पर उन्होंने आ करके एकदम बेहोश हो जाते थे। कभी कभी श्री नित्यानंद प्रभु यहीं पर आ करके उनको बलदेव प्रभु भाव में, क्योंकि वो बलदेव प्रभु है, बलदेव प्रभु कैसे लीला करते थे कृष्ण को साथ में, यहीं पर आ करके पूरा के पूरा उनको सारे लीला की उद्दीपना यहीं पर हुआ करता था। कहते ये नवद्वीप धाम परिक्रमा का और एक विशेष महत्व है। बोले कौन सा महत्व है? बोले जो नव विद्या जो भक्ति है, जिसको प्रह्लाद महाराज कहते हैं इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतन अवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यातन मने धीतम उत्तमम। कभी जब उनको पिताजी ने पूछा बताओ गुरुजी ने तुमको कौन सा विद्या बताया, विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या बताओ, तब प्रह्लाद महाराज जब ये नव विद्या भक्ति के नाम बताए, कहते अगर इसमें एक भक्ति भी कोई निष्ठापूर्वक जाजन कर ले उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अगर ये जो धाम है ये कौन सा है? कहते ये कीर्तनाख्य वाश्रम। ट्रांसलेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन विद्यालंकार वाणी फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच। कीर्तन भक्ति की फल अपने आप को यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। और यहीं पर ही कहते श्री इंद्र, इंद्र जिस समय उन्होंने बड़े घनाघोर उन्होंने ट्रांसलेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन विद्यालंकार वाणी फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच। जा करके बोले कृष्णा तुमने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया, देखो इंद्र क्या नटखट कर रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, हम लोग ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की ना, चलो सबके सब श्री गिरिराज की तलहटी में जाते हैं सबके सब। जब गिरिराज तलहटी में आए, जैसे एक छोटा बच्चा आसानी से एक छतरी को उठा ले, ऐसे कृष्ण ने अपना कनिष्ठ अंगुल गोबर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज, और इंद्र ने पूरा 7 दिन तक उसने अपना जी जान लगा दी, ओले वृष्टि और हाथी के सूट जैसे बराबर बारिश आंधी तूफान, लेकिन सबके सब ब्रजवासी आसानी से गिरिराज की तलट में आनंद से सबके सब नृत्य कीर्तन कर रहे थे। 7 दिन के बाद में एक दूत को भेजा, देख कर कहा तो क्या हो रहा है? एक दूत ऊपर से देख कर गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। दूसरे को पूछा भैया तू देख कर क्या? जब वो आया वो तो ऊपर देख कर गया था, जब नीचे आया ना देखा चिट्ठी किया, बोले एक चिट्ठी भी ब्रज में, एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहाँ पर तो सब का सब होली गा रहे हैं और कृष्ण के मुख चंद्र को दर्शन करते हुए सबके सब वहाँ पर। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, वहाँ पर तो आनंद ले रहे थे, सबके सब आनंद ले रहे थे। उसने जब वापस दिया बोले
बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं? बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तू साधारण बालक समझ रखा था वो तो कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने एक हाथ में उठा कर रखे। फिर उन्होंने देखा भैया तो ये कौन है। जब उन्होंने ध्यान लगाया देखा जिसने मेरे को कृपा करके ये इंद्रपद को वामन अवतार में जिसने कृपा करके दिया था ईश्वर भगवान है, इसलिए इंद्र ने बड़े इनको नाक रगड़ना पड़ा, इंद्र को बड़ा नाक रगड़ना पड़ा, फिर भगवान उसको कृपा की। लेकिन यहाँ पर प्रश्न होता है जिसने फिर उन्होंने जब देखा कृष्ण तो हृदय से उन्होंने तो ऊपर से माफ किया लेकिन हृदय से उन्होंने माफ नहीं किया है, फिर उन्होंने सोचा क्या करनी चाहिए। फिर अपना दिव्य दृष्टि से देखा वही कृष्ण ही कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे और यहीं पर श्री नवद्वीप धाम में क्या करेंगे। कोई पापी तापियों को विचार, जैसे कृष्ण क्या करते हैं अगर देखेंगे ये व्यक्ति ने ये काम क्या अपराध किया वो माफ नहीं करेंगे। लेकिन कलयुग में चुके श्रीमती राधा रानी का भाव अंग कांतियों को लेकर के आएंगे और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है। इसी अवतार में बोले कृष्ण प्रेम आयस जार दूर दर्शने, अगर एक बार कोई महाप्रभु चरण में आकर के एक बार केवल प्रणाम कर लेना उन्होंने और कोई चीज को नहीं देख करके उनका हृदय को उन्होंने प्रेम में भर देंगे। इसलिए इन्होंने यहीं पर ही गोद्रुम उन्होंने गैया की सुरभि का भी क्यों देखा, कृष्ण गोपाल है, गोपाल होने के नाते गैया को पालन करते हैं और गैया माँ है, अगर इनके अनुगत्य में अगर भजन करेंगे हो सकता है कृष्ण हमारे पर कृपा करेंगे, इसलिए यहीं पर उन्होंने बैठ करके उन्होंने भजन किया। तो यहाँ प्रश्न होता है भैया जिसने इतने अपराध किया 7 दिन तक गिरिराज उन्होंने गिरिराज धारण करना पड़ा और ब्रजवासियों को इतना सताया, फिर उनको ये नवद्वीप धाम में पर स्थान कैसे मिल गया? अपराधी को तो कोई दंड मिलनी चाहिए ना, और जहाँ पर उन्होंने श्री नवद्वीप धाम में और उनको कृष्ण प्रेम महाप्रभु का प्रेम उसको मिला कैसे? कहते यद्यपि उन्होंने अपराध किया है ऊपर से दिखता तो है लेकिन कहता है जातो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी। यद्यपि एक दृश्य दिखता है उन्होंने अपराध किया है लेकिन दूसरे दृष्टि में उन्होंने क्या किया, कृष्ण की जो सर्वश्रेष्ठ जो लीला है कौन सा लीला है? कहते उन्होंने जो रास लीला है उन्होंने रास लीला में उन्होंने मदद किया है। हैं रासलीला में कैसे मदद किया? इसलिए कृष्ण अभी सोच रहे हैं मैं तो रसिक शेखर हूँ, अभी मैं कैसे ये ब्रज गोपियों के बगैर तरास हो ही नहीं सकता है, अभी इनको आकर्षण हम कैसे करें। इसलिए कृष्ण को दो लीला करना पड़ा, एक तो उनको श्री काली नाग के ऊपर उनको नृत्य करते हुए वो सोच रहे थे क्या ये नृत्य करते हुए ब्रज गोपियों की माइंड को हम आकर्षण करेंगे, इसलिए उन्होंने कालियों को सर के ऊपर नृत्य किया। उन्होंने बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी पम 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 पद पद गत पम 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 फन पौ पर बिंग 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 बिनत करत नाग बदुआली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी सन 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 का दिख गन 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 गंधर्व गन नाम 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 नारद मुनि सब दे सताली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी बम बम बलिहारी। बोले काली नथन भगवान की, बोले ये एक लीला करके ब्रज गोपियों की मन को आकर्षण किया, पर दूसरे कौन से लीला की उन्होंने ये गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। कितने उम्र में? बोले 7 साल में और 7 क्रोश गिरिराज और उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने धारण किया। उदाहरण देते हैं जैसे एक हीरो अगर किसी हीरोइन की मन को आकर्षण करना चाहता है वो हीरो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने अपना बहादुरी दिखाता है, कुछ लोगों को एक कट्ठे करके खूब मारपीट करता है, आज सबको भगा देता है। बोले बाबा ये तो बड़ा बलवान है, इसलिए क्या होता है कि हीरोइन अपने आप आकर्षण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हीरोइन तो ब्रज गोपी राधा रानी, अभी कृष्ण सोच रहे हैं इनका मन को आकर्षण कैसे करे। उन्होंने जब गिरिराज गोवर्धन को धारण किया बोले बावारी ये तो बड़ा पहलवान है, इसलिए उनकी रास लीला की जो प्लेटफॉर्म ये इंद्र ने ये सर्वश्रेष्ठ उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। इसलिए इंद्र जब भगवान को स्तुति उन्होंने कौन सा नाम दिया बोले गोविंद नाम रखा। बोले ये गोविंद नाम का क्या विशेषत्व है, इसलिए हमारे बीच में भी गोविंद महाराज है।
इसलिए कहते हैं गोविंद नाम का क्या विशेषत्व है, तो ये गोविंद नाम की हमारे श्री मैया कुंती कहती है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नम, उन्होंने गोविंद नाम दिया। तभी सुना चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये गोविंद नाम का क्या विशेषत्व है, वो कहते कृष्णाय, मतलब जो कृष्ण भजन करते हैं वो तो सौभाग्यवान है ही है, लेकिन उनसे बड़े कौन है, बोले वसुदेव महाराज जगत पिता जगन्नाथ को जिसने अपना स्वयं पिता बने, बोले उनसे बड़े कौन हैं, बोले श्री मैया देवकी जिसने गर्भ में कृष्ण को धारण की, बोले उनसे बड़े कौन हैं, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए, लेकिन उनकी बात्सल्य लीला रास लीला जितने ब्रज लीला कहाँ पर हुई, बोले ब्रज में, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले गोविंदाय नम नमो, उनसे श्रेष्ठ है ब्रज गोपियाँ, लेकिन ब्रज गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कहते ये श्रीमती राधा रानी। गो मतलब होता है इंद्रिया, बिंदति मतलब आनंद देती, यद्यपि कृष्ण इंद्रियों को सबके सब आनंदित किए हैं, लेकिन सर्वतम रूप में किसी ने उनका आनंदित किया है, बोले गोविंद नंदिनी राधा। इसलिए जो गोविंद शब्द का व्याख्या करते हैं ये श्रीमती राधा रानी को ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रूप में यहाँ पर स्थापन करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में यहाँ पर आए हैं, ये स्थान में आने पर सारे अपराध दूर हो जाता है, हमारी जन्म जन्मांतर का अपराध है, अपराध रहने का नाते हमारा हृदय कृष्ण नाम से पिघलता नहीं, लेकिन महाप्रभु ऐसे एक अवतार है यहाँ आने पर, यहाँ पर चरण स्पर्श चरण धूलि को स्पर्श करने पर हमारे सारे प्रारब्ध अपराब्ध बीज कूट जितने सारे अनर्थ और पाप है और दूर हो जाता है, और हृदय हमारी गौरव प्रेम में सराबर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ये स्थान को प्रणाम करते हैं, हमारे अपराध दूर हो, गुरु वैष्णव के चरण प्रेम हो प्रीति हो, और एक दिन गौरव सेवा में हमारी अधिकार हो। बांछा कल उतर कृपा हरे कृष्ण जो उल्लू दिलन ना जो देखी व्यापार হিন্দিতে শ্রবণ করলেন, আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীধরাজ বললেন দু হাতেই লাড্ডু, দুটো মাইক পেয়েছিল দু হাতেই লাড্ডু, কিন্তু মহারাজ তো লাড্ডু খায় না, এই আমাদের শ্রীকান্ত শ্রীকান্ত খেতেই দেয় না লাড্ডু একটাও মহারাজকে, আর নিজে খেয়ে নেয় সব কুহ। দেখুন আমরা পরিক্রমা করতে যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে স্থানের নাম গোদ্রু বা গাদি গাছা। গোদ্রুমের অর্থ কি, গো মানে গো মাতা, দ্রুম মানে গাছ বৃক্ষ। এই বৃক্ষের তলে কি হয়েছিল, যখন মার্কণ্ড ঋষি মৃকণ্ড সুনুবা মার্কণ্ড ঋষি উনি সপ্তকল্প আয়ু পেয়েছিলেন, মানে ব্রহ্মার সাত দিনের, ওনার সাত দিনে মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভগবত ইচ্ছাতে শিব ঠাকুরের কৃপাতে উনি সাতকল্প আয়ু পেয়েছিলেন। প্রলয়ের সময় সমস্ত জলমগ্ন হয়ে যায়, যেমন মহারাজ বললেন হাতির সুরের মতো বৃষ্টি হচ্ছিল, এই সম্বর্তক মেঘের থেকে এভাবে বৃষ্টি হয়, সম্বর্তক মেঘ আছে, সম্বর্তক হাওয়া আছে, সম্বর্তক অগ্নি আছে, এই প্রলয়ের পূর্বে সম্বর্তক অগ্নি আগে খুব দাউ দাউ করে জ্বলে, সম্বর্তক হাওয়া চারদিকে নিয়ে যায়, আর সম্বর্তক মেঘের দ্বারা ফির একশো বৎসর বৃষ্টি হয়, আগে একশো বৎসর বৃষ্টি হবে না, চারদিকে আগুনে পুড়ে যাবে, আবার আবার বৃষ্টি হবে এই সম্বর্তক মেঘের দ্বারা। কেউ ওই প্রলয়ের সময় কেবল ধান জলের উপরে দেখা যায় ভাসতে থাকে, আর সব ডুবে যায়। মার্কণ্ড ঋষি ভেসে ভেসে যাচ্ছেন পানিকে থপেড়ো সে, উনকা সব তো জান হাল বেহাল হো গিয়া, আব করু কিয়া, কাহাঁ যাও, খিদে লেগেছে কি করেন, সব কিছু সহন করা যায়, খিদার কত সহন করবেন। ভাসতে ভাসতে এখানে এসেছেন, সুরভি গাভি ওনাকে কি করেছেন, স্তন পান করিয়েছেন নিজের দুধ স্তন থেকে,
जानी सुरभि माँ मैंने गौ माता उनके स्तनपान जीवन रक्षा कर स्थान और इस स्थान अभिन्न नंदग्राम सुनलें महाराज जो बोलें जे कृष्ण सात दिन गोवर्धन धारण कर और कृष्ण नाम रखल इंद्र गोविंद और कृष्ण सात दिन धारण क्या क्यों किया था सात दिन धारण देख जो गोविंद स्पेलिंग है जी ओ वी आई एन डी ए सात अक्षर है इसलिए सात दिन धारण किया। श्रीधर भाई कहेंगे हम लोगों का समुद्र रिहर्सल हो रहा है। श्रीधर भाई कहेंगे कि आज तो गोविंद अब संस्कृत में बोलिए या बांग्ला में सात कहाँ है ग ओ दो ब और ई चार नौ दो और उसका ओ मिलेगा सात इसमें ही सात होता है देखिए तो श्रीधर में सात अक्षर नहीं होगा देख लीजिए गोविंद में ही होगा इसलिए इंद्र क्या किया गोविंद नाम रखा। और इधर माधुबनी करते हैं पास में कुमिर दह दो जगह में कुमिर दह है प्रेम विवर्त ग्रंथ में जगदानंद पंडित ने लिखा जब श्रीमद महाप्रभु नवदर्शन कीर्तन करते थे पास में गुरु जी के साथ जब आता था दिखाया गांव पास में एक भीम नाम के गोत था और महाप्रभु को मामा मामा बोलते थे बोले मामा चलिए मैं आपके लिए मक्खन ये सब बना के रखा है आप प्रसाद पा के विश्राम करेंगे टीपे दी वो पार आपका पैर में दबा दूंगा ऐसे फिर महाप्रभु जाके उधर प्रसाद पाए। जब इधर आए थोड़ी समुद्र यमुना के सॉरी गंगा के ओर एक स्थान था पहले गड्ढा था अभी है नहीं वो कुमिर दह एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था कोई भी उधर पानी पीने जाता गो बछड़े सबको मार देता कोनो का जल खेते जेते पाता ना। ग्रामीण लोग महाप्रभु बोलें महाप्रभु संकीर्तन करते करते वही तीरे गए सबके संकीर्तन करूँ संकीर्तन कर कुमिर धीरे धीरे उठे एल महाप्रभु चरण स्पर्श करते ही वो कुमिर देह छेड़े दिव्य देह हुए ओखान चले गल ये स्थान एखने और एखने देखिए गादी गाछा बला है गाच जखन भेसे भेसे आसचन मार्कण्डेय ऋषि वही गाच देखे एक ही बेपार कौ को गाचपला नहीं तखन जानलें एखने नवद्वीप धाम एखने महाप्रभु ना के दर्शन दिए और एखने जे नंदग्राम ओखने माधुगुरी करतें ये महाराज बोलें जे एखानकार परिक्रमा कर ले क्या कि दो जगह ही परिक्रमा हबे नवद्वीप धामे हबे और वृंदावन धामे हबे किंतु ब्रजमंडल परिक्रमा कर ले नवद्वीप धामे परिक्रमा हबे ना। एक जुक्ति दिच्छी जरा जामिति पढ़ें जदि दुटो त्रिभुज नेवा जाए तार त्रिभुजर एक कोण वही कोण समान एक बाहु वही बाहु समान ये सब समान तो त्रिभुज बताइए समभुज है सम त्रिभुज है तो ऐसे जब नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है तो इधर का परिक्रमा करने पर जब उधर का होता है उधर का करने पर क्यों नहीं होगा जब दोनों अभिन्न कोई भेद नहीं है क्यों ये औदार्यमय धाम है वृंदावन को माधुर्यमय धाम है लेकिन नवद्वीप औदार्यमय धाम है इतना उदार है ये उदार जो क्यों कहा गया इसलिए गुरुदेव कहते थे हमारे गुरु महाराज और चक्रवर्ती ठाकुर जब किसी का कृष्ण दर्शन होता है पहले सौंदर्य सौंदर्य देखते ही भक्त मूर्छित हो जाता है कृष्ण मने मने चिंता ना हो हमारे अत सुंदर रूप भक्त मूर्छित हो गल हमारे रूप धारण कर प्रयोजन की तुम दीदी की करें धीरे धीरे की करें निजे अंग गंध ওই ভক্তের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেন ভক্তের অঙ্গ ওইটা কি বলা হয় সৌগন্ধ এই সৌগন্ধ দিয়ে ভক্ত চোখ খুলে কৃষ্ণের মাধুর্য দেখেন দেখতে ফির মূর্ছিত হয়ে যাতা হয় কৃষ্ণ অহো মে ক্যা করু মে সৌন্দর্য দেখকে সুগন্ধ দেখ পা করকে ফির মূর্ছিত হতা হ্যাঁ কৃষ্ণ কি করেন ধীরে ধীরে ওনাকে কথা বলেন ভক্ত দেখো আমি কত সুন্দর কেউ মূর্ছিত হয়ে রয়ে হো দেখো তো আখ খোল করকে फिर भक्त आँख खोल के देखता है फिर मूर्छित हो जाता है। फिर कृष्ण क्या करते हैं बोले देखो उनको अंग स्पर्श करते हैं कि बोले सौ कुमार जो देखो भक्त देखो मैं कितनी सुंदर हूँ भक्त देखो हमें कत सुंदर भक्त आबार चोख खुले देखें आबार देखे मूर्छित हो जान आबार भक्त हम कृष्ण की करें सौ रस निजे अधर सुधा भक्त के दें भक्त निजे जीव चाटते थके आबार मूर्छित हो जाए किंतु महाप्रभु की करें
এই সমস্ত পাঁচ সৌন্দর্য সৌন্দর্য সৌগন্ধ সৌরস সৌরভ সৌকুমার্য দিয়েও কিন্তু ভক্ত মূর্ছিত হয় না। এই জন্য এখানকার পরিক্রমা করলে দুই জায়গার পরিক্রমা হবে। মহাপ্রভু ইতনে কৃপালু হ্যাঁ, এ সমস্ত পাঁচ মাধুর্য হ্যাঁ এক সাথ দেনে পরি ভক্ত মূর্ছিত নেই হোগা, ইসলিয়ে ইসকো উদার্য ধাম মহাপ্রভু উদার্য ময় বিগ্রহ কাহা যাতা হ্যায়, ইসলিয়ে ইস ধাম কা পরিক্রমা করনে পর দোনো কা এক সাথ হো যাতা হ্যায়। হরে কৃষ্ণ পালকি উঠান পালকি উঠান, হরে কৃষ্ণ বঞ্চা কল্পতরু ভ্রষ্ট কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। ওনারা গিয়েছেন সবাই কিছু কিছু প্রণামী দিবেন, আমাদের এখানে অবধূত মহারাজ গিয়েছেন সামনের দিকে সবাই কিছু কিছু প্রণামী দিবেন। Didi, I'm sorry. You take position. But there is a lots of comments I must reply. I must check who is bringing there. Sorry, one second. You can put your camera a little bit like this because of course they are looking, but for devotees it's so awesome. I can understand. We don't take darshan, we are taking your darshan, you know. I know, I can understand. You ask myself, you ask your Guru Dev how is best. How he will tell. I can understand. So you. No, ask your Guru how he will tell you do like this. No, not like that. We are affording, if you want to take, you can come and sit front. I cannot, it's so cool. So can. You sit front. No, but everybody wants to sit in front of you. Who have problem here? What's your problem? You must go. No, because no. This year lots of devotees no, watching here. Ask your Guru there. I asked already. That's no, my, like this. You can monitoring so you know how to angle it here. Like this, what's the difference? Because the height is there. We need to feel it. No, it's the same sound, same feature. Just how can I put the comment? How can I connect it? There is a lots of network. No, this put a little bit down. If I put the little bit down, like this, what I show? No, it's okay. This is not fair. Because we are showing... Try. We are I'm doing like this always. We are seeing full video. No, lots I'm also of people doing live. And it's okay. Thank you.
हरे कृष्णा साइड प्लीज हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक साइड से चलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मायरा एक साइड दिन गुरुदेव आसचन हरे कृष्णा ये देखिए नवद्वीप परिक्रमा हरे कृष्णा हाँ वो जे कारण फोन कर बड़ आवाज छो लाइव ও তুমি এখন দেখলে দেখতে পাবে হয়তো দেখ কারণ পরে ভিডিওটা ট্রান্সফার হবে লাইভে লাইভে দেখো দেখতে পাবে बड़ा अच्छा ले लिया चलो देखो कैसे दुनिया टेक्निक है वो बोला था लड्डू को दो हजार तो खा नहीं सकते थे वो खा लेता है ऐसा दिया बोलिया समुद्र का रिहल चल रहा है फिर बताया पहले बोला आलू लोग पहले उल्लू पहले आ दिया बाद में सब सबको ले लिया फिर लाल वाले बजाओ ताले सब ताले শ্যামারানী দিদি আসছিলেন কালকে তো বেরিয়েছে ওখান থেকে আজকে মনে পড়ছে দিয়ে লাইভ দেখলাম কালকে ওখান থেকে বেরিয়েছেন কাল সকালে ফ্লাইট ছিল protein water became very hungry so much waves flapping here there became very hungry watching nothing is there then he saw one land living diversity and the hungry there all the other part of the world he understood and he came and Surabhi Gavi she gave her own milk from udder then he drink and became satisfied Then he realized this Navadvipa Dhamisa. Supposed to alive only 7 days. When Maharaj Yom sent his messenger and he hold, no, somebody gave him blessings, then he got eye of 7 kalpa, 7 days of Brahma. You mentioned Lord Shiva Marcy, some Shiva. Shiva Marcy also. This Markandeya Sarsivi is in Jagannath Puri. Shiva Marcy also there. By that, he gets. When the messenger of Maharaj Jam came and he hold the Shiva Lingam, so Maharaj Jam could not do anything. Then they went back, then he got 7 days of Brahma. Any more questions? Indra in Krishna Lila, Gaura Lila, he also came, Indra Ji. Yes. Who
don't know. All demigods came. All demigods. Not only one. Thank you, Maharaj. Thank you.
আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই স্থান ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটি এবং সমাধি ছিল। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এখান থেকেই মায়াপুরের যে ভব্য দৃশ্য, যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, এখান থেকেই তিন দিন দর্শন করেছিলেন। এখানে বলবেন মহাপ্রভু কো সপ্তম গোস্বামী কহা গিয়া, সরি, শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ভাটার সপ্তম গোস্বামী কহা গিয়া। সপ্তম গোস্বামী কেন বলা হয়েছে? মহাপ্রভুর সময় যে ছড় গোস্বামীগণ ছিলেন, তারাকে মহাপ্রভু আদেশ দিয়েছিলেন লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, ভক্তি গ্রন্থ প্রণয়ন, শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ এবং বৈষ্ণব সদাচার প্রণয়ন, চার আদেশ দিয়া থা শ্রীমন মহাপ্রভু। ছড় গোস্বামী জানে কে উপরান, ফির জব ইস জগত মে দুর্দিন আয়া, তা ভক্তি বিনোদ কী করলেন? উনি ছড় গোস্বামী যে কাজ তাই করলেন। কী করলেন? যে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, শ্রীমন মহাপ্রভুর যে স্থান লুপ্ত হয়ে গেছিল, উনি কী করলেন? এখান থেকে মহাপ্রভু কৃপা করে ওনাকে ওখানকার ধামের যে রহস্য দর্শন করালেন। তিনি তারপর কী করলেন? ওখান থেকে কলকাতার আনন্দবাজার অমৃতবাজার পত্রিকা শিশির ঘোষ আর সব বড় বড় অফিসার নিয়ে এবং জগন্নাথ বাবাজি মহারাজকে নিয়ে স্থান আবিষ্কার করলেন লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার। শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ উনি কী করেছেন? দেখবেন এখানে ঠিক ওই সাইডে গৌর গদাধর আছেন, যিনি ওনার আরাধ্য, শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ভক্তি গ্রন্থ প্রণয়ন, উনি এত সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যা সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি হলেন জৈব ধর্ম। একাধারে সংসার দশা থেকে একদম কী করে ব্রজ প্রেম সম্পত্তি লাভ করা যায়, স্বরূপ সিদ্ধি সব দেখিয়েছেন। জৈব গুরুদেব কেহতে থে জৈব ধর্ম জৈসে গ্রন্থ, ন ভূত ন ভবিষ্যতি। আর যদি কেউ ভজনে প্রবেশ করতে চায়, ভক্তি ভজন রহস্য পড়তেই হবে, অনুশীলন করতেই হবে, নাহলে হবে না। তারপর কী হলো? ভক্তি গ্রন্থ প্রণয়ন, আর বাকি থাকলো কি? বৈষ্ণব সদাচার প্রণয়ন। উনি কী করলেন? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মালা ছোট্ট গ্রন্থ লিখেছেন, ওখানে সব প্রমাণ দেখিয়েছেন। এখন এই পূজ্যপাদ পরিব্রাজক মহাজ অনুরোধ করি, এখানে স্থান সম্বন্ধে কিছু বলবেন পরিব্রাজক মহাজ। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যঃ কৃপাসিন্ধুভয়েভ্যঃ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আমি সর্বাগ্রে মদীয় পরমার ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ সরজে আমার অনন্ত অনন্ত কৃষাষ্টাঙ্গ ধন্যবাদ প্রণতি নিবেদন করছি।
तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रयुष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर होतो शिष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण सरोजे आमार अनंत अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणति निवेदन करछि। तत्पश्चात पूजनीय त्रिदंडीपादगण वैष्णववृंद वैष्णवीवृंद सवार चरणे आमार यथाथ धन्यवाद प्रणाम निवेदन कर। আমরা যে স্থানে এসেছি এই স্থানটি হচ্ছেন পরম মহত্বপূর্ণ, কারণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই স্থানের আবিষ্কারক। তিনি এখানে অনেক কিছু গ্রন্থ লিখেছেন, কিন্তু গ্রন্থের লেখার পর তিনি এখন চিন্তা করছেন এই জায়গাগুলো কোথায়, খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি উত্তর দিকে একদিন তাকালেন, তাকিয়ে দেখলেন বিরাট অট্টালিকা খোল করতাল সহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সপার্শ্বর কীর্তনে মত্ত আছেন। একদিন নয়, দুদিন নয়, তিন দিন তিনি এইভাবে দর্শন করলেন, এমনকি প্রভুপাদকেও সেই দর্শন করিয়েছেন। যাই হোক, তিনি এখন চিন্তা করলেন দর্শন তো হলো, কিন্তু এটা তো লিপিবদ্ধ করতে হবে, নাহলে লোকে প্রমাণ পাবে কী করে। এই জন্য উনি এটাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য সংকল্প করলেন। পরবর্তীকালে তিনি এই আমাদের ছোটো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে গ্রন্থ করেছেন এই ছোটো নবদ্বীপ ধাম মহিমা ধাম তত্ত্ব ইত্যাদি এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যেও কিছু কিছু প্রকাশ করেছেন তিনি ছিল। এই জন্যে ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই নবদ্বীপ ধামের আদি প্রকাশক। তিনি যদি না আসতেন, তিনি যদি প্রকাশ না করতেন নবদ্বীপকে নবদ্বীপ মণ্ডলকে, তাহলে আমরা কেউ বুঝতে পারতাম না। সুতরাং তিনি পরম করুণাময়, তিনি তার কৃপায় আমরা এই ধাম তত্ত্ব কিছু জানতে পারছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি মনে মনে ভাবলেন আমি এত কিছু করলাম, কিন্তু এগুলো কে এগুলো সংরক্ষণ করবে, কে প্রচার করবে। জগন্নাথ দেব শুনলেন তার আরতি, শুনে তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে তার পুত্ররূপে। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি এই তার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে তার অশেষ অশেষ বিশেষ বিশেষ কার্যগুলো তিনি করেছেন, এবং সম্প্রদায়ের যা কিছু সমস্ত কিছু তিনি সংরক্ষণ করেছেন। হ্যাঁ, সুতরাং আমরা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সবার চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তার কৃপা করুন যাতে আমাদের শুদ্ধ ভক্তিধারা হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ হয়, আবার ভজন সাধন ওইভাবে আমরা করে আমাদের মনুষ্য জীবনকে সফল করব। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदनन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगहवराय ते श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम परिक्रमा करते करते श्री गुरुदेव के अनुगत में हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए, ये गोद्रुम द्वीप के अंतर्गत शिल भक्तों ठाकुर जी का स्थान। अनेक वर्ष पूर्व इसी आंगन में प्रांगण में शिल गुरुदेव
श्री भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोस्वामी जी के अनुगत में जब हम लोग यहाँ पर आते थे, श्रील गुरुदेव श्रील त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी को श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी के संबंध में उनके अवदान के विषय में कुछ कहने के लिए जब प्रार्थना करते तो श्रील त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी कुछ ही एक दो शब्द कहते हुए ही उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था और फूट फूट कर रोते थे। श्रील त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी को इस दशा में देखकर श्रील गुरुदेव भी यहाँ रोने लग जाते थे। क्यों? श्रील त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी ने एक बात कही, जिन महापुरुषों के चरण कमलों में हम उपस्थित हुए हैं उनके अवदान के विषय में यदि हम श्रवण करें, विचार करें, बस इतनी बात कही, उसके आगे कुछ कह नहीं पाए, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये महापुरुष, इनका अवदान क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे ये नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई में मोर नाम। पृथ्वी में हर ग्राम हर नगर में मेरे नामों का प्रचार होगा। महाप्रभु की उस वाणी को सार्थक करने के लिए उनकी एक शक्ति स्वरूप कौन? नमो भक्ति विनोदाया सच्चिदानंदम नामने गौर शक्ति स्वरूपाय। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर महाप्रभु की शक्ति, इन्हीं श्री महापुरुष ने, इन्हीं श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने गौर नाम, गौर धाम और गौर काम को प्रतिष्ठित किया और सर्वत्र इसका प्रचार किया। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, इसी स्थान पर श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी वास करते, रात्रि वेला में हरि नाम करते। मजिस्ट्रेट की इतनी बड़ी पोस्ट पर होने पर भी किस प्रकार से समय निकालकर अपनी नाम संख्या पूर्व करते, जैसे छह गोस्वामी, वैसे ही श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी कहा गया। इसमें कोई संशय नहीं, हमारे गुरुदेव, समस्त हमारे गुरुजन वे गोस्वामी वर्गों की तरह ही भजन करते हैं, परंतु श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी कहा गया। ये टाइटल श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी के लिए ही प्रिजर्व रखना चाहिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। उसी प्रकार भक्तिवेदांत ठाकुर जी जब यहाँ पर भजन करते, गोस्वामी वर्गों की तरह भजन करते और उन्होंने एक पूर्व दिशा की ओर एक ज्योति को देखा, चिंता करने लगे, ये कैसी ज्योति, ये कैसी रोशनी है, और परस्पर एक दो तीन चार दिन तक ऐसे देखते रहे। तो कुछ मन में विचार हुआ कि जरूर कोई बात है। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी उस पार जालंगी के उस पार, हाँ, श्री मायापुर धाम में उपस्थित हुए और वहाँ पर देखा चारों ओर तुलसी का ही बगीचा, और वहाँ आसपास कौन रहते हैं? वो तो मुसलमान रहते हैं। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी विचार करने लगे, मुसलमान तो कभी तुलसी उपासना, तुलसी पूजा और तुलसी आरोपण भी करते नहीं। तो जिज्ञासा की, पूछा कि आप लोग क्या यहाँ तुलसी की पूजा करते हैं? तो बोलने लगे, नहीं, हम यहाँ पर जो भी बीज को आरोपित करते हैं उसमें से तुलसी ही प्रकट होती है। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी इंगित को समझ गए, हो ना हो यही मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है, परंतु कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आएगा जो आकर स्थापित कर दे और सारा विश्व उनकी बात को पूर्ण रूप से विश्वास करेगा। इसलिए ब्रज में श्री जगन्नाथदास बाबा जी महाराज सूर्य कुंड में वास करते, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथदास बाबा जी महाराज समस्त देश विदेश में सर्वत्र ही उनका स्थापित है। जिस वचन को वो कह देंगे सब वैष्णव उस बात को प्रमाणिक मानेंगे। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने उनसे प्रार्थना की। श्रील जगन्नाथदास बाबा जी महाराज 144 वर्ष की आयु और उनके सेवक बिहारी लाल उनको टोकरी पर धारण करके यहाँ पर जब लाए, जो कभी उठ भी नहीं पाते थे, जिनके ये नेत्र के आगे उनकी पलकें छपकती नहीं थी और किसी को देखना होता तो आंख ऊपर करके देखते थे, ऐसी वृद्ध अवस्था में भी जब श्रील जगन्नाथदास बाबा जी महाराज उस स्थान पर आए तो उछल कर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल, इस प्रकार से हरि बोल करके उदंड नृत्य करने लगे और यही कहने लगे, यही मेरे प्रभु का स्थान है, यही मेरे प्रभु का जन्म स्थान है। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने लंदन से एक मैप भी मंगवाया और जो हमारे शास्त्रों में जिस स्थान का वर्णन हुआ कि गंगा जी की कौन सी दिशा की ओर महाप्रभु जी का जन्म स्थल है, उसके द्वारा ये भी प्रमाणित हो गया। इसलिए सारे प्रमाणों के द्वारा श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने वो स्थान, ये उनका कितना बड़ा अवदान, नहीं तो महाप्रभु जी का जन्म स्थान वो कौन हमको जनाता, कौन हमको बतलाता कि वही जन्म स्थान है? ये श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी की कृपा है। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी का ये अवदान और
समस्त जितने प्रकार के भजन हैं ये गौड़िया मठ में, समस्त जितने गौड़िया मठ और जो और दूसरे दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर जो कीर्तन की मंगल आरती, मध्यान्ह आरती, संध्या आरती, सभी आरतियों में हम जो भी कुछ गान करते हैं श्रील भक्तियों ठाकुर जी के द्वारा ही वो रचित हैं। श्रील भक्तियों ठाकुर के भजन अपने आप में पूर्ण शास्त्र हैं, पूर्ण शास्त्र हैं। एक एक भजन कहाँ तो आत्मनिवेदन की बात करते हैं कि आत्मनिवेदन तुआ पदे कोरी हईनु परम सुखी, दुखे दूर गेलो चिंता न रही वो चौधरी के आनंद देखी। कहाँ तो आत्मनिवेदन की बात करते हैं, कहाँ ये प्रार्थना करते हैं कातर होके कि मानस देह गेह जो किचु मोर, अर्पिलु तुआ पदे श्री नंद किशोर। कहाँ दीनता पूर्वक किनसे प्रार्थना कर रहे हैं, बोते गोपीनाथ जी से, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामे रहता किचु नाही मोर गुण। कितनी दीनता पूर्वक श्रील भक्तियों ठाकुर जी कह रहे हैं कि असुर सकल पाई लो चरण विनोद थाकी सुभोषी, सारे असुरों ने आपके चरण पा लिए, एक मैं ही अभागा ऐसा क्यों रह गया। कहाँ तो इस प्रकार से प्रार्थना, और कहाँ श्री वंशी भट्ट में रास लीला का वर्णन कर रहे हैं, ब्रज बिपिन जो रास थली वहाँ पर जो भजन गा रहे हैं। कहाँ पर पाल्य दासी कौरी ललिता सुंदरी अमारे लैया कवे, कहाँ पाल्य दासी की प्रार्थना। इसलिए भक्तियों ठाकुर जी के संपूर्ण भजनों में संपूर्ण गोस्वामियों वर्गों के शास्त्र वहाँ पर सम्मिलित हैं भजन में ही। और जहाँ भक्तियों ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत, वैष्णव सिद्धांत माला, जैव धर्म और ऐसे जितने ग्रंथों को प्रणय किया, उन ग्रंथों की विशेषता कि आरंभ करते हैं शरीर और आत्मा के तत्व से, परंतु करते 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 संबंध अभिदय और प्रयोजन अवस्था राधा दास्य तक, मंजरी भाव तक कभी सारा उल्लेख वहाँ कर देते हैं। और इतना ही नहीं, सारे जगत को प्रमाण देने के लिए उन्होंने अपना भी निज स्वरूप का वर्णन किया। मेरा नाम क्या है, वो तो कमला मंजरी। मेरी आयु क्या है, 12.5 वर्ष। मैं किनके यूथ में हूँ, ललिता सखी के। मेरी सेवा क्या है, सब कुछ वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अवदान है श्रील भक्तियों ठाकुर जी का। और इन अवदानों में सर्वश्रेष्ठ एक अवदान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को इस जगत में प्रकट किया। उन जो आए हैं आज, जो हम यहाँ पर आए हैं अपने गुरुदेव की कृपा से, वो श्रील भक्तियों ठाकुर जी का ही अवदान है। ये यदि नहीं होते आज हम भी इस नवदीप धाम परिक्रमा में नहीं होते। ये कहकर इनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनकी कृपा की वांछा करता हूँ। बोलो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की। এখানে আসতে হবে, মাইক যাবে না। হরে কৃষ্ণ। আপনারা মহারাজের শ্রীমুক্তিকে শুনলেন, ছিল রূপ গোস্বামী পাদ, উনি ভক্তির স্বামীর সিন্ধুতে যে লিখেছেন সংপ্রার্থনাত্মিকা দৈন্যময়ী আর লালসাময়ী, উনি সমস্ত কীর্তনে এগুলো দেখিয়েছেন। আর মহারাজে বললেন ওনার কীর্তনই সম্পূর্ণ শাস্ত্র, যত সিদ্ধান্ত ওনার কীর্তনেই পাবেন। তা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ওনার যে ব্রজের পরিচয় দিয়েছেন মুকুন্দমালা স্তোত্রে, বরণে তড়িৎ বাস্তারা বলি কমল মঞ্জরি নাম, 12.5 বৎসর বয়স সতত সানন্দ সুখদ ধাম, কর্পূর সেবা ললিতার গণ রথাযুতেশ্বরী হন, মমেশ্বরী নাথ শ্রীনন্দানন্দ নামার পরাণ ধন। এই দুটি পয়েন্ট খুব সুন্দরভাবে বললেন। এখানে পূজ্যপাদ বর্মরাজকে অনুরোধ করি, উনি এখানে বাংলায় শোনাবেন। গতকাল আমরা যখন এতে গিয়েছিলাম যোগপীঠে, ওনাদের যিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট আচার্য, ওনার সাথে কথা হয়েছে। 8টা পর্যন্ত আমাদের এখানে থেকে আমাদের খালি করে দিতে ওনারা আসবেন। গতবারে আমরা ঢুকতে পারিনি, যে নিবেদন করেছিলাম একটু পরে আসার জন্য। ওনারা ওদের যাত্রীদের জলখাবার খাইয়ে নিয়ে আসবেন, যেন 8টার সময় এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ওনাদের সন্ন্যাসী আসা আরম্ভ হয়ে গেছে। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকাই তদালে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমঃ। সর্বপ্রথম সর্বাগ্রী গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলাপৃষ্টম বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত শ্রীল ভবন গোস্বামী মহারাজ, এবং নিত্যলাপৃষ্টম বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের অভয়চরণ কমলে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত জ্ঞাপন করি। তৎপশ্চাৎ সমস্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণববৃন্দ, মাতৃবৃন্দ এবং পরম স্নেহশীল মাতৃবৃন্দ সবার চরণে আমার যথাযথ দণ্ডবত প্রণাম স্বীকার। আর আমরা অভিন্ন বৃন্দাবন নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে করতে যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই হলো গোদ্রুম ধামের অন্তর্গত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
समाधि भजन स्थली एवं समाधि स्थल कीर्तनाक्ष भक्ति स्थान बला हुई है। एखान विशेष महिमा अपनारा श्रवण करल विशेषकर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर कृतित्व ताहा वर्णन करल। भक्ति विनोद ठाकुर प्राथमिक जीवने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट छिलें एवं तिनी किभावे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुएओ तिनी किभावे प्रचार करतें नाम हट्टे प्रचार करतें। भक्ति विनोद ठाकुर तार आत्मजीवन कहनर मध्य वर्णन करेछेन सकाले दसटा थेके चारटा पर्यन्त अफिसे जेतें आबार पाँचटा थेके आरम्भ करके रात्रि बारोटा पर्यन्त ग्रामे ग्रामे गिये नाम हट्ट खुलेछिलेन एवं तिनी सेखाने नामेर महिमा प्रचार करेछेन। तखन सहजिया सखी भेकि अनेक प्रकार अपसम्प्रदायेर लोक तारा महाप्रभुर आचारित विचारित जे नाम संकीर्तन शुद्ध नाम के तारा दूषित करेछिलो अर्थात तादेर आउल बाइल तादेर विचार छिलो যে যেভাবেই নাম করুন না কেন নামের ফল পাওয়া যাবে। তাই তার বলছেন যে মাছ মাংস আদি সব কিছু খেয়েও নাম করত। তাদের ভাষায় বলা হয়েছে যে মাগুর মাছের ঝোল পরনারীর কোল আর মুখে বল হরি বল। এইরূপ যে সহজিয়া সখী সখী ভকিগণের এই সব বিচার ছিল সেই সকল বিচারগুলোকে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর গ্রামে গ্রামে গিয়ে নাম হট্টের দ্বারা প্রচার করেছেন। এই রূপ করলে হবে না তিনি বলতেন যে আহার শুদ্ধই চিত্ত শুদ্ধই চিত্ত শুদ্ধই ধ্রুবান স্মৃত স্মৃতি লব্ধে ব্রহ্ম। আহার যদি শুদ্ধি না হয় তাহলে ভগবানের সেখানে স্মরণ হয় না। তিনি বলেছেন স্পষ্টভাবে বলেছেন এই মুখটাকে ড্রেন করতে হবে না। ড্রেনের মধ্যে অনেক প্রকার ময়লা জলগুলো শহরের যেমন জলগুলো ময়লা জলগুলো পায়খানা পেশাগুলো চলে যায় ঠিক তদ্রূপ এই মুখ জিহাটাকে ড্রেন করতে হবে না জিহাটাকে পবিত্র করতে হবে। সেই পবিত্র জিহার মধ্যে ভগবান নাম উচ্চারণ করতে হবে। তিনি প্রথমে এই গ্রামের মধ্যে গিয়ে এই সকল নামহট্টের প্রচার করেন এবং সর্বত্র শুদ্ধ নামের প্রচার করেন। একসময় ভক্তি বিনোদ ঠাকুর যখন নাম হট্ট থেকে যখন ফিরছেন রাত্রি তখন বারোটা একটা হয়ে গিয়েছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলছেন একটা সুন্দর একটা ঘোড়ার উপর বসে ঠক 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 করে ঘোড়া চলছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কতগুলো জোনাকি মাত্র যেমন বিচরণ করছে দূর থেকে মানো পেঁচাগুলো কেন ডাকছে আর শিয়ালগুলো এদিক ওদিক করছে। আগে চললেন দেখলেন শুনলেন কোন এক সুন্দর নারী বসে সেখানে কান্নাকাটি করছে। তখন নারীর কান্নাকাটি শুনে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর আরো গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। দেখলেন কেন দেখলেন কি একটা সুন্দর রমণী সেখানে বসে কান্নাকাটি করছে। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এখানে কেন এই গভীর রাত্রের মধ্যে আর জঙ্গলের মধ্যে কান্নাকাটি করছো। তখন রমণী বললেন আমি সাক্ষাৎ মায়াদেবী আমার কার্য হচ্ছে জগৎ জীবকে মোহিত করা। আপনি ভক্তি বিনোদ ঠাকুর আপনি স্বয়ং ভগবানের নিত্য পার্শ্বদে যান আর আপনি যে শুদ্ধ নামের প্রচার করছেন সেই নামের প্রচারের ফলে আমার ক্রিয়াগুলো আমি করতে পারছি না তাই এখানে বসে আমি ক্রন্দন করছি। তখন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বললেন দৃঢ়তার সখের সঙ্গে বললেন যে যতদিন সূর্য নক্ষত্র তার আদি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামের মহিমা জগতে প্রচার হবে। এইভাবে বললেন তুমি কাঁদ তোমার প্রতি আমার তনিক মাত্র ভি সামান্য তোমার প্রতি আমার দয়া মমতা নেই। এই জন্য ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সেখান থেকে আবার চলে গেলেন। তারপরে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর অনেকদিন এই কার্যগুলি করেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কার্যগুলি করেন। একদিন বিচার করলেন দীনতা করে বলছেন যে আমার জীবন কেবল বাস সংসারের কার্য করতে করতে চলে গেল কিন্তু আমি কিছু ভজন করলাম না। দুর্লভ মানুষ জন্ম পাইয়া সব লোক বলে
কৃষ্ণ না ভজনে দুঃখ কহিব কাহারে। এই কীর্তনের মধ্যে তিনি সেখানে বলছেন আত্মজীবনীর কথা তিনি নিজে যেন সেখানে ব্যক্ত করছেন, দৈন্য করে বলছেন আমার জীবন তো ব্যর্থ চলে গেল, কেবল এই বাস কোর্ট কাচারি লয়ারদের সঙ্গে আর এরভাবে চলে গেল, কিছু তো ভজন করলাম না। দুর্লভ মানুষ্য পেয়ে লব্ধা সুদুর্মেদম বহু সম্ভবান্তে এই শ্লোকের তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন আমাকে ভজন করতে হবে, তাই তিনি সবকিছু ত্যাগ করে বৃন্দাবনের দিকে চলতে লাগলেন। বৃন্দাবনের মোক্ষ দিকে যখন চলছেন সেই চলতে চলতে এক রাত্রি তিনি শিব মন্দিরে তিনি বিশ্রাম করেন। মন্দিরের নামটা কি ছিল? তারকেশ্বর। হ্যাঁ, তারকেশ্বর মন্দিরে তিনি সেখানে বিশ্রাম করলেন। রাত্রির মধ্যে সাক্ষাৎ শিবজি তার নিকট প্রকট হয়ে বললেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তুমি কোথায় ভজন করতে যাচ্ছ, কার ভজন করবে, তুমি তো নিত্য পার্শ্ব, তোমার মহাপ্রভু যে জন্য তোমাকে সংসারের মধ্যে পাঠিয়েছে সে কার্য তোমাকে করতে হবে, দুইটি কার্য তুমি জগতে প্রচার করো, এক হচ্ছে মহাপ্রভু গৌর নাম আর গৌর গৌর ধাম, এই দুইটি তোমাকে প্রকাশ করতে হবে। আপনারা শ্রবণ করলেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তম গোস্বামীর বলার তাৎপর্য তো শ্রবণ করলেন, যেমন আমাদের পূর্ব গোস্বামীগণ রূপ সনাতন আদি মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট যেমন হয়ে পূরণ করেছেন, ঠিক তদ্রূপ আপনাকেও চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পূর্তি করতে হবে, সেই মনোভীষ্টকে গৌরধাম আর গৌর নামের জগতে প্রচার করতে হবে। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাক্ষাৎ শিবজির আদেশ প্রাপ্ত করে তিনি বৃন্দাবনে বৃন্দাবনের দিকে না গিয়ে তিনি এইখানে এলেন, এইখানে এসে তিনি ভজন করছেন। নাম ভজন করতে করতে তিনি চিন্তা করছেন যে আমাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই কীভাবে সেই আদেশকে আমি পালন করব। নাম করছেন যে গৌর চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আবির্ভাবস্থলী কোথায়, বাস্তুরূপে কোথায়, তাই তিনি চিন্তা করছেন। এইখানে বসে বসে নাম করছেন, রাত্রি বারোটা একটার সময় দেখলেন কি এইখান থেকে পূর্ব দিশা মায়াপুর, সেই মায়াপুরে অকস্মাৎ তিনি দেখলেন কি একটা জ্যোতি দেখতে পেলেন, আর সেই জ্যোতির তার ক্ষণকাল পরে আবার দেখলেন কি চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত আচার্য শ্রীবাস পণ্ডিত আদি গদাধর আদি সমস্ত ভক্তগণ মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করছেন, আর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলে। চৈতন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরদিন প্রাতঃকালে ওই স্থানে গেলেন, কিন্তু ওই স্থানে গিয়ে দেখলেন কি ওটা হচ্ছে মুসলমানের কবরখানা, চারিদিকে তাদের কবরগুলি দেওয়া হয়েছে মৃতদেহের মাটির মধ্যে গেড়ে রেখেছে, আর কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিচার করলেন যে যে স্থানের মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভু আর সমস্ত ভক্তগণ নাম সংকীর্তন করেছিলেন সেই স্থানটাকে দেখলেন তুলসীর বাগিচা রয়েছে, তুলসী সুন্দর সুন্দর তুলসী প্রফুল্লিত, যেন জল না দিলেও সেখানে সেই তুলসীগুলো স্বাভাবিক রূপে সবুজ হয়ে রয়েছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিচার করলেন এই স্থানটা হচ্ছে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, ভক্তি ঠাকুরের নির্ণয় করলেন। তারপরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একজন প্রাচীন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা তো মুসলমান আর তোমরা তো তুলসীকেও মানো না, দেব পূজায় তো তুলসী লাগানো হয়, তোমরা কেন তুলসীর কেন এখানে খেতে কেন করছো? তখন সেই মুসলমান বললেন যে আমরা এই যে স্থানটা দেখেছেন এই স্থানের মধ্যে যে কোনো বীজ আমরা বপন করি, ধান অথবা গেহুঁ সরষ কুচ বীজ আমরা এখানে দেই সেটা কি হয়ে যায়, তুলসীতে পরিণত হয়ে যায়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিচার করলেন এই স্থানটাই হচ্ছে শতসিদ্ধ মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলী, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের দ্বারা আবার তিনি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি বৃন্দাবনে গেলেন, বৃন্দাবনে গিয়ে সূর্যকুণ্ডে জগন্নাথ দাস বাবাজির মহাশয়ের সঙ্গে তিনি মিলেন, অনেক সেখানে কথা সুন্দর রয়েছে। আবার জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে তিনি এইখানে নিয়ে এলেন, জগন্নাথ দাস বাবাজি ওই সময় বয়স ছিল 144 বৎসর, তিনি আবার তার চোখের পলকগুলো এগুলো বন্ধ হয়ে যেত, দেখতে ঠিক মতো পারতেন না। দেখুন তার সেবক বিহারী লাল ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে মাথায় করে তখন নিয়ে এসেছিলেন, তখন এরকম গাড়ি ঘোড়া কিছুই ছিল না, চলতে চলতে
নিয়ে আসতেন। আবার ভক্তি যখন জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ ওই স্থানে যখন এলেন, জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ সেই ঝুড়ি থেকে লম্ফ দিয়ে লাভ দিয়ে তিনি পড়লেন আর উদ্দণ্ড নৃত্য করে বললেন, এই আমার গৌরীর জন্মভূমি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। আর দু সেকেন্ড এইভাবে তিনি মহাপুরুষের দ্বারা ওই স্থানকে চিহ্নিত করলেন। তারপরে তিনি লন্ডন থেকে আমাদের নবদ্বীপ ধামের ম্যাপকে তিনি আনিয়েছিলেন, তারপরে গঙ্গার কত দূরে স্থানগুলো শাস্ত্র বিচার মধ্যে দেখে দেখিয়েছেন, গঙ্গার পূর্ব পারে মহাপুরুষের আবির্ভাবস্থলী, এগুলো শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে দেখেছেন। এখন কিছু সম্প্রদায়ের লোক বলেন যে না, ওটা হচ্ছে প্রাচীন মায়াপুর, এইখানে হচ্ছে মহাপ্রভুর জন্মস্থল, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেগুলো খণ্ডন করেছেন। কেননা শাস্ত্রের মধ্যে যেগুলো বিচার শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত কেবল মন গড়ান্ত কথার দ্বারা কোনো প্রমাণ হয় না, এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের দ্বারা মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থল প্রকাশ করেছেন। আর গৌর নাম তিনি জগতের মধ্যে প্রচার করেছেন, যেটা চৈতন্য চৈতাম্রদের মধ্যে রয়েছে, কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার, নাম লইলে অপরাধীর না হয় বিকার, গৌর নিত্যানন্দের নাহি এসব বিচার, নাম লইলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধা। এইভাবে তিনি বাস্তবরূপে প্রচার করেছেন গৌর সুন্দরীর যে অপার মহিমা তিনি জগতে দেখিয়েছেন। কিন্তু যদি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতের মধ্যে প্রকাশ না হতেন, প্রকট না হতেন, তাহলে আজ আমরা এই যে মায়াপুর মহাপ্রভুর যে আবির্ভাব স্থলী আমরা পরিক্রমা করতে পারতাম না। এই স্থলের মধ্যে ছিল গুরুদেব এখানে একটা কথা বলতেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই স্থানকে আবিষ্কার তো করলেন, কিন্তু ওই স্থান তো মুসলমানের কব্জার মধ্যে ছিল, জিসকে লাঠি উসকে ভেঁস, ইসলে মুসলমানের কাছ থেকে কব্জা থেকে কী নেবেন, কী করে নেবেন, তাই তিনি এই কার্যের ভার তিনি ভক্তি সিদ্ধান্ত শশী প্রভুপাদকে দিয়েছিলেন। আবার প্রভুপাদ এই কার্যের ভার বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী আমাদের পরম গুরুদেব ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব সিংহকে দিয়েছিলেন, তিনি ওই স্থানকে তিনি প্রকটিত করলেন, যেদিন ওই কথা আমরা ওইখানে আলোচনা করেছিলাম। এই জন্য গৌচৈত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচার, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচার বিচার, এইগুলো আমাদের দেখানো হয়েছে, ভক্তি ভক্তি বিনোদের দয়া কর বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাইলে চমৎকার। এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিশেষ উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে তিনি স্থাপন করেছেন। যদি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবার তিনি একটা বিশেষ কার্য করেছেন, তিনি হচ্ছেন কী করেছেন, কেবল রসমাধুর্যের কথাও তিনি প্রকাশ করেছেন। কেননা কেননা সহজিয়া সখী বেকি বাবাজি সম্প্রদায় কেবল মনে করেন যে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের লোক কেবল তত্ত্ব সিদ্ধান্তের কথাগুলো জানে, তারা রস মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে না, তারা উদাহরণ দেয় যেমন গৌরী এইগুলো কী করে, তারা হচ্ছে কেবল আমের ছিলকাগুলো খায়, অথবা আমের ভিতরে যে কী বলে আঁটি আঁটিগুলো চুষে তার মধ্যে কিছু নাই। হ্যাঁ, রসমাধুর্যের তারা কথা কিছু তারা বলেন না বা তারা জানেন না, তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের খণ্ডন করবার জন্য তিনি দৃঢ়তাকে সাথ নিজের পরিচয়ও দিয়েছেন, যে একাদশ ভাব আর পঞ্চদশার কথা তিনি বলেছেন, স্বরূপের জীবের স্বরূপের যে স্মৃতি কীভাবে হয় সেখানে তিনি বর্ণন করিয়ে দেখেছেন। যদি স্বরূপের সমস্ত জীবের মধ্যে স্বরূপের রয়েছে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয় শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করহ উদয়, ওই ভাবটা সকলের মধ্যেই রয়েছে, যার যে রূপ ভাব রয়েছে পটেন্সিয়াল রয়েছে, ওই পটেন্সিয়াল অনুসারে ভজন করতে করতে গুরুপাদ মনের কৃপাতে অনর্থ আদি নিবৃত্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে সেগুলো প্রকাশ হবে। যেগুলো বলা হয়েছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে আমাদের পড়েছেন সিদ্ধ প্রণালী, বাবাজীগণের সিদ্ধ প্রণালী আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধ প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সিদ্ধ প্রণালী দেখেছেন, তেনা দেবী শুনি তরুণ বৈশিষ্ট্য অমানি নমানদিন কীর্তনীয় সদা হরি, এই নাম সংকীর্তনের দ্বারাই জীবের সমস্ত প্রকার অনর্থ নিবৃত্তি স্বরূপের উপলব্ধি হয়। আর একটা জিনিস তিনি দেখিয়েছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দিয়েছেন, শিলরূপ গোস্বামী পাদের ভক্তির সামৃত সিন্ধু যে মধ্যে আদু শ্রদ্ধা থেকে আদু
श्रद्धा तत् साधु संघ भजन क्रीड़ा अनुष्ठान वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम दशा में गए तक से स्वरूप जो विषयगुलो प्रकाशित है तीन एक एक कर दर्शक दर्शन करिए विशेषकर जे एकादश भाव रही है तार मध्य बला एकादश भाव बारोटा ग्यारोटा जो भाव रही है नाम रूप स्वरूप सकल जीवर मध्य सेगल रही है आबार पंचदशार कथा बोलिए पंचदशार कथा श्रवण दशा स्मरण दशा आपन दशा भापन दशा प्रेम सम्पत्ति दशा एगुलो सुंदर करे तिनी वर्णन करे देखे जीव क्यों भजन करते करते स्वरूप उपलब्धि करते पारे एगुलो आमादेर भक्ति बनोर ठाकुर देखिए भक्ति बनोर ठाकुर जगते ना प्रकट हले सकल विचारगुलो अवगत होतो ना तिनी आबार कृपा करे जैव धर्म ग्रंथ अनेक ग्रंथ तिनी रचना करेछेन एकटा ग्रंथ नेई तिनी अनेक ग्रंथ अनेक भाषार मध्य प्रकाश करेछेन সেই লাইন মধ্যে আমাদের গুরুপাদ শ্রী গুরুদেব জগতের মধ্যে তারা প্রচার করেছেন এই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে বারবার আমি নমন করি তিনি আমাদের কৃপা করুন যেন তার আচারিত প্রচারিত নাম সংকীর্তন আমরা যেন আরও বিপুলভাবে প্রচার করতে পারি মানসা গুরু কৃপা সিন্ধু বৈবচ পতিতানং পাবনে ভো বৈষ্ণবী प्रसाद पाने के लिए जाएंगे एखान से रास्ता चले डान दिखे घूरबें बागने जो प्रतिबाद सर प्रसाद देखने प्रसाद देखा नीचे देखो पीछे चलो चलो महाराज आ रहे चलो साइड में चलो महाराज आ रहे प्रभु कुर्ता पूरा महाराज आसे सही हाय महाराज हरे जाके पर हरे
হ্যাঁ, ভিডিও কলটা তোলো তাড়াতাড়ি, ভিডিও কলটাকে তোলো। Very, very well. Hare Krishna. ¡Gracias!
चोर का आदर करते हैं क्या? साइड साइड सब साइड এর উপরে উঠা যায় রাস্তা আছে উপরে উঠা হ্যাঁ কোন দিক থেকে এর উপরে ওঠার রাস্তা আছে উপরে ওঠার রাস্তা আছে সিঁড়ি আছে উপরে ওঠা কই 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 কথা আপনাদের কজন স্টাফ আছে টোটাল হচ্ছে এখানে সাতজন তো ছাতা আছে নিয়ে নেবেন আপনাদের জন্য মঠে গিয়ে আমাদের মঠ থেকে ছাতা বানানো হয়েছে পরিক্রমার হ্যাঁ মনে করে নিয়ে নেবেন দেখি দেখি সাইড 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 এই কে আছে বাড়িতে কেউ আছে ওপরে যাওয়ার রাস্তা আছে
It's like an adventure. I'm entering in the ghost house and climbing in the top and catching the videos. And I'm swaying. So all of you watching. Yes, and I am putting the camera number one in the front camera. Oh, Radhe Shyam. Bola Hare Krishna. Bola Maa Chhata Ke. Haribol, happy karo Haribol. Haribol, Haribol. Shyam Prabhu aage. Jaldi karo Haribol, Haribol. Haribol. Hare Krishna. So jaise ki aap log dekh rahe hain 8 se 80 lekar sab is parikrama mein shamil hain aur le rahe anand. मुझे पता है आप लोग भी घर में बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं और इस परिक्रमा के कोने का वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारा साथ और देखते रहिए आपका चैनल भी थैंक यू। अभी हम पहुंच चुके हैं आम घाटा। आम घाटा का आम का पेड़ में क्या जिस पेड़ में आम होता है और आम क्या मीठा है तो उसका लिए जाना पड़ेगा आम और वहां से दिखाएंगे वीडियो बने रहिए। This is the mango forest of the mango. Three, two, one.
Hare 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 Hare
Thank you so much.